ये यूनिट थ्री जो है दो चीज के बारे में बात करेगा, एक ओनरशिप, दूसरा डिलीवरी। भैया ओनरशिप और डिलीवरी में क्या अंतर है? ओनरशिप मतलब गुड्स तेरा है। हाँ सर, टू का कंप्लीट नहीं हुआ था सर, कैविट इंपोर्टर बायर वाला कंप्लीट हो गया था पूरा हो गया था। ओके, बैक टू आवर टॉपिक। ओनरशिप मतलब गुड्स तेरा है, तुम उसको जलाओ, कहीं भी लेके जाओ, कोई दिक्कत। डिलीवरी मतलब गुड्स तेरे पास आ गया है, पोजेशन तेरे पास आ गया है। बहुत बार होता है पोजेशन मेरे पास नहीं है, गुड्स मेरा है, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर मार दिए, तेरे पास आया गुड्स, नहीं भैया 7 दिन लगेगा, बट सामान तो तेरा है ना। वो बोल सकता है क्या कि योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड, आज आया, ठीक है, और कल मैसेज कर रहा है सॉरी वी कैन नॉट डिलीवर योर ऑर्डर, ऑर्डर अगेन लेटर। करता है कभी ऐसे? नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया भाई, एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो फिर फंस गया, ठीक है, खाने का आइटम में ऐसा करता है। ओके, तो टोटल सेल में तीन अलग अलग स्टेज होता है। स्टेज वन, सबसे पहले क्या होगा सेल में, हम कब बोले थे कि सेल हो जाता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, जब ओनरशिप ट्रांसफर होगा तब सेल हो गए। भैया पेमेंट नहीं किए, फर्क नहीं पड़ता। भैया डिलीवरी नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा ओनरशिप हाथ में आ गया, गुड्स तेरा। भैया एग्जाम्पल, तुम आलू खरीदा, तुम उनको बोला शॉपकीपर को 5 किलो आलू निकाल के रखो, वो 5 किलो अनअसर्टेन गुड्स में से असर्टेन करके रख दिया, ओनरशिप तेरा हो गया। वो भैया पेमेंट तो किए नहीं थे, तुम अलग करने बोला था ना, और वो अलग कर दिए। भैया उठाए तो नहीं अभी तक आलू दुकान में ही, हम तो आगे, डजंट मैटर, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, ठीक है। सेकंड क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ रिस्क। जनरल रूल क्या है समझो, जनरल रूल, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर्स विद ओनरशिप। सबको मेरे साथ बोलो, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर्स विद ओनरशिप। क्या इसका? इसका मतलब है कि जैसे ही ओनरशिप तेरा हुआ, भले ही गुड्स तेरे पास है हो या ना हो, उसके रिलेटेड में सारा रिस्क सारा रिवॉर्ड तेरा है। मानो तुम्हें गोट खरीदा, ठीक है, गोट प्रेग्नेंट थी, और तुम्हारे खरीदने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, उसके बाद गोट बच्चा दी, गोट किसका, बायर का या सेलर का? बायर का, रिवॉर्ड है बायर का। गोट खरीदने के बाद गोट बीमार हो गई, गोट का डेथ, बायर का, ये रिस्क किसका? बायर का, बायर जो का। ओनर बायर है, ठीक है। एंड तीसरा, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, सबसे आखिर में ये जरूरी होता है, ये सामान आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले ओनरशिप आपका हो गया, सेल हो गया, जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया। भैया पोजीशन आखिर में भी हो, चलेगा, होना जरूरी है पोजीशन, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास ही रहे, कभी भी हो, उसका कोई कंपल्शन नहीं। याद करो हम क्या बोले थे, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ज्यादा जरूरी है या फिर स्टिपुलेशन एज टू डिलीवरी ज्यादा जरूरी है, टाइम ऑफ पेमेंट ज्यादा जरूरी है, डिलीवरी, 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 ठीक है। तो पेमेंट का तो हम लोग बात ही नहीं, अब बात करते हैं कि भैया ये टाइम ऑफ ट्रांसफर अपना जो है जरूरी क्यों होता है? रिस्क टेकर कौन है, सेलर या बायर? ओनर, जो भी ओनर है, मानो सेलर ओनर, अभी तक हम बायर बने नहीं, बायर कौन है? बाइज और अग्रीज टू बाय, हम तो भैया अग्री है, मेरा मन है खरीदने का, हम बायर हो गए, अभी ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, हम बायर है, मेरा मन है खरीदने का। ओनरशिप ट्रांसफर कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो। तो रिस्क हमेशा ओनर का होता है, कभी भी दिमाग में ये मत सोचना कि सेलर या बायर, सीधे दिमाग में आना चाहिए ओनर को, ठीक है। इसका मालिक कौन? देखो, ओनर इज द रिस्क टेकर। मानो गुड्स खोता है, खराब होता है, जो भी लॉस हो रहा है कौन बियर करेगा? बॉर्न बाय द ओनर ऑफ द गुड्स, ठीक है। जब सामान बर्बाद हुआ था, ओनर को। इफ द गुड्स आर डैमेज बाय द एक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी, इट इज ओनली द ओनर हु टेक्स द एक्शन अगेंस्ट देम। मानो किसी थर्ड पार्टी से सामान खराब हो, फॉर एग्जाम्पल हम मानो एक फोन खरीदे, ठीक है, हम शॉप में गए, हम फोन खरीदे, फोन का बिल मेरे नाम पे बन गया, हम पेमेंट करने के लिए निकाल रहे थे, कोई कस्टमर फोन गिरा दिया, नया नया फोन, पेमेंट भी नहीं किया, रिस्क किसका, सेलर का या बायर का? हु इज द ओनर?
किसके नाम पे मोबाइल? बायर का, ठीक है। पहला बार बायर का है, हो गया मोबाइल, ओनर कौन है? बायर, ठीक है भैया। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये काम दुकान में हुआ है। बायर बोलेगा ना, कैसा कस्टमर है भाई, तेरे दुकान में हुआ, तेरा कस्टमर किया है, तुम समझो। नहीं, सेलर नहीं समझेगा। यहाँ पे ओनर बायर है, तो खरीदार जो बायर है वो बोलेगा कि भाई अब हम तेरे पे केस करेंगे। सेलर अगर केस करना चाहेगा तो कोर्ट बोलेगा तुम कौन है, तुम तो बेच दिया, बिल बना दिया था ना। बायर आके केस करेगा तभी ये सामान तुम्हारा होगा, नहीं तो नहीं। क्लियर है? ओके। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब ओनरशिप। बार-बार ये हर क्लास में हम दो तीन बार रिपीट करते हैं, प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब है ओनरशिप। अभी क्या हुआ, जो गुड्स होते हैं ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तुम लोग स्क्रीन पे देख सकता है। देखो, स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का एग्जांपल आईफोन 11 काला रंग का 128 GB, उंगली दिखा के बोल दिया स्पेसिफिक। असर्टेन, भैया अलग करके मेरा 5 kg रखा हुआ है, ठीक है। अनअसर्टेन गुड्स, पूरा का पूरा वो बोरा, ठीक है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, कोई ये पढ़ा है पहले? आज से पहले कोई पढ़ा है? हाँ, तुम लोग 11-12 में तो नहीं होगा, अकाउंट्स में, फाउंडेशन में। हाँ देखो, इसमें क्या होता है तुमको समझा रहे, ठीक है। मानो एक सेलर है, मानो पप्पू अपना सेलर है, ठीक है। अभी ये हमको सामान भेजा और ये बोला कि गुड्स इज सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब कि हमको ये एक टाइम देगा, भैया अगर 7 दिन के अंदर आपको जवाब देते हैं हाँ या ना, वो जवाब हम रखेंगे। अगर 7 दिन पार हो गया हम समझेंगे आपको गुड्स लेना, समझा ये बात को। तो अब जब तक हम अप्रूव ना करें 7 दिन तक तो ये चुपचाप बैठा रहेगा, बोलेगा नहीं कि सेल हुआ। जैसे ही 7वां दिन इलैप्स करेगा, अब तो सेल हो गया। क्यों? ये पहले ही बोल दिया था ना कि 7 दिन के अंदर खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो वापस कर दीजिए। अगर 7 दिन कुछ नहीं किए तो सेल माना जाएगा। तो ये होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, नगद जानता है नगद, बिजनेसमैन एनीबॉडी, किसी का घर में राशन वगैरह का दुकान है ना, दुकानदार क्या होता है, नगद दो भाई, मतलब कैश दो नहीं तो वापस तुम जाओ, हमको कोई मतलब नहीं। तो सेल फॉर कैश ओनली बेसिस। और लास्ट में इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल, ये एक प्रॉपर अच्छा से ड्रॉइंग बना के एग्जाम्पल बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब, ठीक है। बाकी अपना चार क्लियर है? किसका? सेल फॉर गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का, देखो गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस बहुत होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को नया प्रोजेक्टर चाहिए, ठीक है। हम क्या किए, हम बोले भाई तुम एक काम कर, ये प्रोजेक्टर मेरे को दे दे, हम यूज करके देखेंगे कुछ दिन। हम हफ्ता भर यूज किए, महीना भर यूज किए, वो टाइम नहीं बोला था आगे वाला बंदा, हम साल भर यूज किए, उसको पैसा नहीं दिया अभी तक। ऑन अप्रूवल बेसिस है ना, हम अप्रूव नहीं किए साल भर, समझ में आ रहा है? देखो दो चीज होती है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में, दो चीज होती है। एक टाइम बता दिया, एक हफ्ता प्रोजेक्टर यूज करो बताओ चाहिए कि नहीं, दो हफ्ता प्रोजेक्टर यूज करो बताओ चाहिए कि नहीं। अगर हम 2 हफ्ता में जवाब दिए हाँ तो हमको पैसा देना होगा बाद में, अगर हम बोले ना तो वापस भिजवाना होगा। और दूसरा जिसमें टाइम का कोई जिक्र ही नहीं किया, मतलब कि हम खाली बात किए कि फैजल भाई प्रोजेक्टर देना हमको यूज करना, टाइम का बात नहीं हुआ। यहाँ पे लॉ बोलता है रीजनेबल टाइम, कोई भी ऐसा टाइम जो रीजनेबल हो, 1 साल रीजनेबल होता है। 1 साल के लिए तुम अपना माल किसी के पास छोड़ देगा कि तुम यूज करो, मन करेगा तो खरीदना, कभी नहीं। रीजनेबल डिपेंड करता है, मानो प्रोजेक्टर है 2 हफ्ता रीजनेबल है भाई, 14 दिन के अंदर तो डिसीजन ले सकता है ना आदमी। तो ये है सेल ऑन अप्रूवल, ओनली आफ्टर द गुड्स इज। देखो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर टाइम बता दिया है हफ्ता भर, अगर हफ्ता भर में जवाब दिए गुड, नहीं तो हफ्ता भर बाद ऑटोमेटिकली ट्रांसफर माना जाएगा। अगर टाइम नहीं बताया है तो जवाब दिए तब, नहीं तो व्हेन द रीजनेबल टाइम इज इलैप्स्ड। व्हाट इज रीजनेबल टाइम, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रीजनेबल टाइम होता है, समझदारी के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है, ठीक है भैया। हम लोग को रीजनेबल टाइम का क्वेश्चन आएगा 90% चांस से नहीं आएगा, और आएगा ना तो तुमको हिंट दे देगा कुछ कि यहाँ पे रीजनेबल टाइम तुमको जवाब लिखना, ठीक है। वो सेल ऑफ ऑन अप्रूवल बेसिस नहीं है, वो प्रॉपर सेल है।
एक बार क्या हुआ था, हम बुक ऑर्डर किए फ्लिपकार्ट से, तब तक हम फ्लिपकार्ट का टर्म एंड कंडीशन पढ़े नहीं थे, तो बुक पतला था ज्यादा, 200 पेज के आसपास का था। हम पूरा बुक क्या किए, हफ्ता भर में पढ़ लिए। और हफ्ता भर में हम क्यों पढ़े पता है, इस उम्मीद के साथ कि बुक को हफ्ता भर में पढ़ लेते सुंदर से, एक भी चीसेंगे नहीं और बाद में रिटर्न कर देंगे। हम जब रिटर्न करने गए तब देखते वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि बुक आप रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ये बुक देखे यही बुक हम आपको दूसरा भेजेंगे। मिस्टर बीन देखता था तुम लोग बचपन में, मिस्टर बीन का एक एपिसोड याद है, वो एक खाना ऑर्डर करता था, सबसे सस्ता वाला खाना, बड़ा मुश्किल से कभी किसी का पैंट में डाल रहा है, कभी किसी और का प्लेट में डाल रहा है, लेकिन बाद में उसके पास वही प्लेट आता था। यही वाला सीन, आप रिप्लेस और रिटर्न अलग अलग चीज है, समझा? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक या फिर असर्टेन्ड गुड्स के बारे में, सेक्शन 19 से सेक्शन 22 इसके ऊपर। भैया कोई स्पेसिफिक या फिर असर्टेन्ड गुड्स, ठीक है, कोई भी गुड्स, कुछ भी तुम लोग जो इमेजिन कर सकता है वो, इस दो कैटेगरी में। कैटेगरी तुम लोग को समझ में है, किसी को भी स्पेसिफिक या असर्टेन्ड को लेकर डाउट नहीं है। भैया इसमें प्रॉपर्टी कब पास होता है, कब हम ओनर बनेंगे, अगर हम बायर है तो हम ओनर कब बनेंगे, दिल में ये सवाल है, तो लॉ क्या जवाब दिया पता है इसका अपने पास? देखो बोल दिया जब आपका इंटेंशन हो तब, इंटेंट क्या लिखा है देखो ना, प्रॉपर्टी पासेस व्हेन पार्टीज इंटेंड्स टू पास, जब पार्टी का मन है, पार्टी का इंटेंशन है, इरादा है, तब पास माना जाएगा। ये तो थोड़ा गड़बड़ लगा भैया, कब किसका इरादा हम तो नहीं जानते ना। तो आगे और क्लैरिफिकेशन आया, देखो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, प्रॉपर्टी इन देम पासेस टू द बायर एट द टाइम व्हेन द पार्टीज इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड। सेक्शन 19 में ये बात बता है, अगर मानो इंटेंशन क्लियर नहीं है, नहीं समझ में आ रहा इंटेंशन को लेकर कि क्या इरादा, तो क्या करें, बोला बताते हैं सेक्शन 20 आओ। अगर मानो स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में, व्हाट इज अ डिलीवरेबल स्टेट, व्हेन द बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स, सबको बोलो डिलीवरेबल स्टेट इज अ स्टेट व्हेन द बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स, ठीक है, बायर बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। बायर नहीं बोल सकता कि मेरा लेने का मन नहीं है, क्यों, खराब पैकिंग, नहीं बोल सकता, वो डिलीवरेबल स्टेट में है, ठीक है। देखो अगर मानो कोई अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अनकंडीशनल है स्पेसिफिक गुड्स का सेल को ही लेकर, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल माना जाएगा। हम एक शॉप में गए, स्पेसिफिक गुड्स का एग्जांपल क्या दिया तुम लोग सबको याद है, iPhone 11, हम बोले मेरे को दे दो भाई मेरा स्पेसिफिक गुड्स, वो निकाल के रख दिया, ओनरशिप ट्रांसफर। कोर्ट में गए, कोर्ट में लड़ रहे, हम लड़ रहे कि हम ओनर नहीं है, सेलर लड़ रहा है कि वो ओनर नहीं है। कोर्ट में गए, कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज देखा, पूरा सिचुएशन बताए हम जज को, जज क्या बोलेगा, अरे तुम सेक्शन 20 नहीं पढ़ा है, सेक्शन 20 में क्लियर बोला है ना व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया था तुम्हारा फोन खरीदने का, मतलब तुम ओनर। हम जिद्दी कर रहे, सर ना मेरे पास पोजेशन था, मतलब ना हम उसको लेके घर गए, ना मेरे पास उसका पेमेंट किए थे, हम ओनर कैसे हुए। अरे कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था ना, बस दैट इज व्हाट मैटर्स। अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो जैसे ही तुम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कुछ भी एक्शन वो निकाल के दिया, ये भी तो एक्शन है भाई, गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। भैया प्राइस कब, पेमेंट कब हो रहा है या फिर डिलीवरी कब हो रहा है मैटर नहीं करता है, कभी बिल्कुल मैटर नहीं करता, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये मैटर करता है, ठीक है। मानिए भैया कोई ऐसा स्पेसिफिक गुड्स है जिसको डिलीवरेबल स्टेट में लाने का जरूरत है, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, अगरबत्ती सब जानता है क्या होता है ना। अभी मानो हम खूब सारा 1000 पीस अगरबत्ती मांगे किसी से, कोई सेलर अपना घर में अगरबत्ती वगैरह बनाता, बोले 1000 पीस दे दो हम आगे बेचेंगे, तो क्या वो डिलीवरेबल स्टेट में है? अगर 1000 पीस अगरबत्ती वो हमको ऐसे हाथ में ला के देगा तो हम लेंगे क्या? नहीं, हम क्या बोलेंगे, इसको डब्बा में पैक करो, छोटा छोटा डब्बा बना के उसको कार्टून में पैक करो,
फिर हमको दो, तब हम डिलीवरी लेने के लिए बाउंड है। मतलब वो जो गुड्स है, वो जो अगरबत्ती है, वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं। अगर सेलर कोई ऐसा एक्शन करता है जिससे वो डिलीवरेबल स्टेट में आए, कॉन्ट्रैक्ट होगी। अगर सेलर कोई भी ऐसा एक्शन करता है जिससे वो डिलीवरेबल स्टेट में आए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। भैया कैसे? वो आदमी, उसको हम बोले 1000 पीस अगरबत्ती चाहिए, वो बैठ के दिन रात डब्बा में डाला, डब्बा को कार्टून में डाला, कार्टून को टेप लगाया, ठीक है, उसको फिर डाला वो ऑटो में, टेम्पू में, हो गया भाई ओनरशिप ट्रांसफर। इतना मेहनत किया, उसके बाद हम बोल सकते हैं नहीं मेरा मन नहीं है, मेरे पे ब्रीच का केस मारेगा वो कि तुमने चक्कर में इतना मेहनत किया भाई, चल कुछ डैमेज दे। समझ आ रहा है? अगर गुड्स को कुछ ऐसा हरकत करना पड़े, इफ द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग देम इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, अगर सेलर कुछ करने के लिए मजबूर है जिससे वो डिलीवरेबल स्टेट में आए, तो जैसे ही सेलर वो काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। और तीसरा सेक्शन 22, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, मतलब डिलीवरी तो हो सकता है बट सेलर इज बाउंड टू डू सम एक्ट टू असर्टेन द प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ भैया? मानो हम शॉप में गए पनीर खरीदने के लिए, पनीर का ऐसे रखा रहता है एक डल्ली, प्रॉपर क्यूब्स रहता है, तो हम एक क्यूब को बोले कि भाई बेच दो हमको, डिलीवरेबल स्टेट में ना वो प्लास्टिक में डाल दिया, डिलीवरेबल स्टेट में, हम कितना रुपया देंगे उसको? अकॉर्डिंग टू वेट, मतलब जब तक वो उसको वेट मशीन में नहीं रखेगा, डिलीवरेबल स्टेट में तो है बट जैसे ही उसको वेट मशीन में वो रखा और प्राइस बताया, कॉन्ट्रैक्ट। तीन अलग अलग मेथड, सबसे पहला तो इजी है भैया, डिलीवरेबल स्टेट में है, जब डिलीवरेबल स्टेट में हो कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाता है? जैसे तुम बात किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, हो गया। तुम उसको बोला कि भाई मेरा आईफोन 11 निकाल के रखना, वो ऐसे निकाला, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, ऐसा स्टेट में लाना होगा कि बायर उसको एक्सेप्ट करे, डिलीवरेबल स्टेट। तुम जैसे ही उसको उस स्टेट में लाया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओनर बन गया बायर। तीसरा, अगर डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन कुछ करना है, मानो उसको नापने के लिए, मेजर करने के लिए वेट मशीन में रखना हो, या फिर मानो लीटर्स में है, तो एक ऐसे करके ना ट्राइंगुलर उसमें आता है नापने का, ठीक है, तुम लोग देखा होगा ऐसे करके होता है ना, क्या बोलता है, फनल होता है, बट नहीं, फनल बेसिकली क्या होता है, वो तो डालने के लिए होता है, ओपनिंग को छोटा करने के लिए, फनल नहीं बोलते इसको, कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमको नाप के देना पड़े, तो उस केस में जैसे ही हम उसको मेजर करने के लिए, प्राइस असर्टेन करने के लिए मेजर करते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर। क्लियर है ये तीन पॉइंट? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ओके। हम तुम लोग को एक मिनट का टाइम दे रहे हैं, तीनों तुम लोग अपना दिमाग में खाली ब्लैक वाला बोल्ड में हेडिंग पढ़ो, घुमाओ कहानी, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वाला बच्चा यू मैसेज करना समझ के। सर थर्ड वाला थोड़ा भूल गया था, थर्ड वाला बताइए ना। हेलो, बता रहे हो, क्लियर है यहाँ पे सबको? थर्ड वाला का रिक्वेस्ट आया है, सेक्शन 22, कभी कभी गुड्स का आप डिलीवरी तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका वेट करना पड़ता है ताकि हम प्राइस असर्टेन कर पाए। ये उसी का केस। फॉर एग्जाम्पल, मानो खोआ, खोआ जानता सबको क्या होता है, खोआ हम लोग खरीद लेते हैं ऐसे ओपन में, कोई दिक्कत नहीं, देखे खोआ का एक बड़ा सा बंडल रखा हुआ, बोले दे दो भाई, लेकिन सेलर जब तक उसका वेट नहीं करेगा, दाम बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। मानो दूध,
हम गए ग्वाला के पास, देखें एक बाल्टी दूध रखा हुआ, बोले पूरा बाल्टी दे दो, डिलीवरेबल स्टेट में बाल्टी उठा के लेके जाना, बट जब तक ग्वाला उसको मेजर नहीं करेगा, वो लोग क्या बोलता है, एक पौवा है ना, एक पौवा वो लोग रखता है जिससे मेजर करता है कि हाँ 10 पौवा का इतना हो, जब तक वो मेजर नहीं करेगा दाम कैसे बताएं। तो कभी कभी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तो होते हैं, बट उसका प्राइस असर्टेन करने के लिए उसको मेजर करना पड़ता है, मानो वेट, लीटर, कुछ भी मेजर करना पड़ता है। तो जैसे ही हम उसको मेजर करके प्राइस असर्टेन करते हैं, ये माना जाता है कि अब आगे वाला पार्टी यानी कि बायर ओनर बन चुका। भैया मानिए मेरे हाथ में 500 रुपया, हम खोआ का डली देखें, हम बोले कि भाई ये वाला खोआ दे दे, वो प्राइस असर्टेन किया, बोला 600 रुपया, आपके अकॉर्डिंग ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गया, मतलब मेरे पास 500 रुपया ही है, हमको उसको पेमेंट करना 600 रुपया, अब हम क्या करें भैया। तो हम लोग को सेलर से बोलना होगा कि भैया 500 का ही करके दे दो, ठीक है। जैसे ही सेलर उसको काटा, हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अब हम ओनर है, अब हम मना कर सकते हैं काटने के बाद कि नहीं अब आप ही रखो, नहीं कर सकते। सर ए में बस इतना बोल रहा है कि गुड्स तैयार है हम लोग के पास। हाँ, ए में गुड्स तैयार है, बी में गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना है, सी में गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तो है, बस दाम पता करने के लिए मेजर करना है। तीन अलग अलग बात, तीन अलग अलग सेक्शन में ज्ञान दिया है, ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स क्या होता है? लॉट ऑफ, पूरा लॉट है, बल्क है, हम लोग को अलग करना होगा उससे। तो मानिए भैया हम गए दुकान में, राशन दुकान में, हम उसको बोले भाई मेरे को आटा दे दे, कितना, 5 किलो, उसके सामने 20 किलो का बोरा था, वो 20 किलो का बोरा कौन सा गुड्स हुआ? अनअसर्टेन। जैसे ही 5 किलो अलग किया, ट्रांसफर हो गया भाई, ट्रांसफर हो गया ओनरशिप, वो 5 किलो अलग किया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब वो आटा बर्बाद हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तुम जिम्मेदार है, बायर जिम्मेदार है, क्यों? ओनरशिप ट्रांसफर हो गया और रिस्क तो ओनरशिप के पास है, जो ओनर उसका रिस्क। देखो, नो प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर, अगर सेलर की गलती से हुआ तो सेलर जिम्मेदार होता है। नो प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर अनलेस एंड अंटिल गुड्स आर असर्टेन्ड, जब तक अलग नहीं होगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे ही गुड्स का असर्टेनमेंट हुआ, एंड मतलब दो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या, गुड्स का असर्टेनमेंट, दूसरा कंडीशन अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन, ठीक है, मतलब कोई कंडीशन नहीं है। बहुत देखो सिंपल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का याद करो, कौन कंडीशन रख सकता है, ऑफरर या ऑफरी? ऑफरर है ना, कंडीशन अगर रखना है तो सेलर रखेगा ना, कभी बायर जाके बोलता है कंडीशन सप्लाई, हमेशा सेलर बोलता है। तो बिना किसी कंडीशन के वो अप्रोप्रिएशन किया है, मतलब वो 5 किलो अब 13, कोई कंडीशन नहीं। जब ये दो बात फुलफिल हो तब माना जाता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनअसर्टेन गुड्स में दिमाग में क्या है, जब असर्टेन हो तब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं, वो जो असर्टेनमेंट है उसका अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होना जरूरी है, मतलब कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए तुमको देने के लिए बिना कंडीशन का, ठीक है। अप्रोप्रिएशन का मतलब तुम लोग जानते हैं? समायोजन, इसमें आना, क्या बोली, समायोजन। सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना सर, वही अप्रोप्रिएशन। हाँ हाँ हाँ, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, याद है सर, कैसे याद हो गया सर, पढ़ाई तो हम लोग तो ऐसे ही 12 दिए। किसका किसका 12 का रिजल्ट आया सर? मेरा तो मेरा भी किस्मत वाला है, तुम लोग किस्मत वाला, ठीक है। हम लोग से पूछो 12th का, तुम लोग कितना लकी बैठे, तुम लोग को जरा सा भी स्ट्रेस हुआ होगा रिजल्ट वाले दिन, जानता होगा। अगर खराब मार्क्स आया, मम्मी सरकार, मोदी जी का गलती, अच्छा मार्क्स आया, देखिए मम्मी ले आए ना अच्छा मार्क्स। हाँ हाँ, नहीं बहुत जन को ना कम भी दिया है, करेगा फिर से एग्जाम लेने का तैयारी है। यस सर,
ठीक है, दो कंडीशन, दोनों कंडीशन अपन को याद रखना है, ठीक है, ओके। सर जैसे हम लोग, आप जैसे आप बोल रहे कि आटा हम लोग दे दिए, उसमें से निकाल करके सर्टेन मतलब कि अलग करके, तो फिर ओनर जो खरीदा है बायर उसका जिम्मेदारी, अगर वो खराब निकल गया तो, अगर वो खराब निकल गया तो, मानो आटा अलग करके वो दिया और वो खराब निकल गया, जैसे रोटी याद है, लेट द बायर बी अवेयर सीवियर टेम्प्टर, बायर दुकान में है, आटा देख रहा है ना अलग होते हुए, उसका जिम्मेदारी है ना बोले भैया आटा खराब है। सर वो ठीक है, जैसे कि अगर रोटी घर आके नहीं बना, खराब हो गया तो तब नहीं, घर आके रोटी बनाए और खराब हो गया तो तेरा ही फिर गलती है, इसमें फंस जाते हैं सर कभी कभी आटा में, जैसे कि हाँ वो तो होता है, यस सर, आटा में क्या छानना वगैरह पड़ता है, कंकर आता है मुंह में, फिर हम लोग बोलते हैं मम्मी क्या बना रही है ना, बट उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद सोचते हैं ना रियल लाइफ में, हम लोग वापस जाके शॉपकीपर को वापस कर देते हैं, यस सर, क्यों, पिछला क्लास याद है, कंडीशन वारंटी क्वालिटी एज टू फिटनेस, वो फिट ही नहीं है भाई खाने के लिए, अगर बोलेगा कैसे फिट नहीं है, फिट है, तुम खाओ बेटा चल तीन को रोटी, तुम खाएगा आज मेरा हाथ, नहीं खा पाएगा वो, क्यों, फिट ही नहीं है ना खाने के लिए, क्वालिटी एज टू कंडीशन एज टू होलसमनेस, खाने वाला सामान खाने लायक होना चाहिए, अगर उसका ब्रीच है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, याद आया, तो वो वाला पॉइंट लग जाएगा, ओके। हाँ भैया गुड्स अभी तक असर्टेन नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है या अग्रीमेंट टू सेल, अनअसर्टेन गुड्स है, हम उसको बोले कि मेरे को 5 किलो चावल चाहिए, कौन सा सेल है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल है या अग्रीमेंट टू सेल है, अग्रीमेंट टू सेल, अभी तक अग्रीमेंट टू सेल है, जब अलग होगा ना तब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, ठीक है, ओके। अप्रोप्रिएशन का मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलेक्शन ऑफ द गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन परफॉर्मेंस, जब वो 5 किलो अलग कर रहा है ना, तब सेलर का मन में क्या है कि ये वाला इस बायर को देना है, मानो 10 आदमी खड़ा है, 10 को 5-5 किलो चाहिए, तो उसका भी तो भाई मन में होना चाहिए कि चलो ये नंबर 1 बंदा का 5 किलो अलग किया, ये नंबर 2 बंदा का 5 किलो अलग किया, मानो नंबर 7 बंदा का अलग ही नहीं किया, ठीक है, किसी से आटा गिर गया, हम बोल रहे नंबर 7 वाला बंदा ओनर था, ये तो गड़बड़ है, हम वहां पे नंबर 7 वाला बंदा क्या बोलेगा, भाई तुमने गुड्स मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं किया था, मेरे लिए अलग नहीं किया था, मेरे सामने 6 जन और थे, उन पे केस करो जाके, समझ आया, ठीक है। कुछ एसेंशियल्स हैं जब हम लोग को असर्टेन गुड्स में ध्यान रखना है, पहला डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, भैया आटा खराब निकल गया तो डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं, तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, भैया 5 किलो आटा वो अलग तो कर दिया लेकिन एकदम पतला सा पन्नी में दिया, तो रिस्क होता है ना उससे तो गिरने का, मानो आटा अलग कर दिया लेकिन एकदम गला हुआ उसमें दिया, प्लास्टिक में या फिर पेपर में, तो वो डिलीवरेबल स्टेट में है, इज द बायर बाउंड टू टेक द डिलीवरी, नो, बायर बोलेगा कि भाई क्या हालत है, ठीक है। तीसरा, गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट इधर बाय डिलीवरी टू द बायर और हिज एजेंट और द करियर, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट होना जरूरी है, बताए थे ऊपर में भी, सेलर और द बायर विद कंसेंट ऑफ ईच अदर मस्ट मेक द अप्रोप्रिएशन, इसका मतलब क्या हुआ भैया, ठीक है, तुम एक शॉप में गए, बोले कि भाई मेरे को तुम चावल दो 5 किलो, क्या चावल एक ही टाइप का होता है, अलग अलग है, गोविंद भोग, बासमती, कतरनी, उसना, तो सेलर पूछेगा कौन सा चावल, तुम बोला बासमती चावल दे दो, सेलर और बायर का कंसेंट हो गया, दोनों में मंजूरी हो गया, yes, sir. ये होना जरूरी है, बिना पूछे अगर सेलर दे दिया, मानो हम अपना मन से मांगे थे कि हमको बासमती चाहिए, उसको लगा गरीब आदमी उसना लेके जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है डिफरेंस, समझ में आ रहा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा, कौन सा मिस्टेक है, फ्री कंसेंट नहीं, दो टाइप के मिस्टेक होते हैं, यूनिलैटरल बाइलैटरल, यूनिलैटरल वो मिस्टेक होते हैं जो किसी एक बंदा से हो, बाइलैटरल मतलब दोनों पार्टी का मिस्टेक, यहाँ किसका मिस्टेक है, बाइलैटरल दोनों पार्टी का मिस्टेक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है गुनगुन, हम भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हम फैक्ट पूरा नहीं बताए, है ना, हम भी नहीं बताए कौन सा चावल चाहिए, वो भी नहीं बताया कौन सा लेगा,
अरे कितना बार होता है, याद करो गाड़ी वाला एग्जाम्पल बताए थे क्या हुआ था, बड़ा सा इनोवा लेकर गया, इनोवा तो दोनों में आता है, डीजल में भी आता है पेट्रोल में भी आता है, हम जाके बोले तेल दीजिए, मेरा गाड़ी है डीजल वाला, वो क्या किया पेट्रोल डाल दिए, किसी का मेरा भी गलती है भाई और उसका भी गलती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया वॉइड हो गया, क्लियर है? द असेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये असेंट का मतलब क्या है, तुम एक शॉपकीपर के पास गए, दुकान में अब कोई नहीं, ठीक है, खाली तुम है और वो दुकानदार, तुम उसको बोले भैया एक सोयाबीन का पैकेट दीजिएगा, वो एक पैकेट निकाल के सोयाबीन का तेरे सामने रख दिया, अब क्या वो बोलेगा कि हाँ हम आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो निकाल के रखा इससे तुमको समझ में आना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए है, इम्प्लाइड है, बहुत बार होता है वो मुंह खोल के बोलेगा लीजिए भैया आपका सोयाबीन का पैकेट, और बहुत बार होगा वो तुम्हारे सामने रख देगा, मतलब वो किसके लिए है, तुम्हारे लिए है। अरे कितना बार होता है, कचौड़ी तो सब खाता हो धनबाद में रखे, कचौड़ी नहीं खाता तुम लोग, फास्ट फूड अवॉइड करते हैं, वाह कौन है, नहीं सर हम तो इंतजार करते हैं कब मेरा दिन है चीट डे, मस्त फास्ट फूड खाए कचौड़ी, कचौड़ी में कितना बार होता है, ज्यादातर लोग दो चार पीस लेने के लिए आते हैं, मानो हम लोग दस लोग खाए, वो चार पीस निकाल के अलग किया, वो दस लोग में से चार पीस किसका नहीं ना पता, तब उसको बोलना पड़ेगा ना मुंह खोल के, एक्सप्रेस करना होगा ना, ब्लिंक कर रहा है देख तो, ठीक है एक्सप्रेस करना होगा ना उसको, कभी एक्सप्रेस करना जरूरी होता है, एक्सप्रेस में दो चीज होता है क्या, ओरल और रिटेन, रिटेन और इम्प्लाइड मतलब समझ में आ रहा है, कंडक्ट और एक्ट, ठीक है कंडक्ट या फिर एक्ट से समझ में आ रहा है, यस सर दूध लेने जाते हैं ना तो वो जाता है हर दिन सवा किलो ले जाएंगे तो खुद ही के ले जाएंगे तो दे देगा। अच्छा एसेंट जो है हो सकता है वो गुड्स अलग करने से पहले दिया हो सकता है बाद में दिया हो, जैसे कि हम दुकान में गए, दुकान में खूब भीड़ है, हम लेने गए कचौड़ी, हम बोले भैया पांच कचौड़ी होगा, वो बोला हाँ भैया होगा अभी तक अलग नहीं किया, तो एसेंट तो दे दिया ना भाई, अब तुम कचौड़ी अलग करने के बाद फिर बोलेगा फिर से हाँ बोल के दिखाइए, नहीं बोलेगा, तो अप्रोप्रिएशन के पहले हो बाद में हो डजंट मैटर, होना जरूर, ये छह का छह पॉइंट हम फिर से रिपीट कर रहे हैं सबको देखते जाना, डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी से गुड मैच करना चाहिए, हम बोले उसना चावल अच्छा क्वालिटी का तो उसना चावल अच्छा क्वालिटी का, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए, दोनों का कंसेंट होना चाहिए, ठीक है एसेंट जो है जो मंजूरी है सेलर लिख कर बोल कर दे सकता है या फिर कंडक्ट या एक्ट से दिखा सकता है, ये एसेंट हो सकता है अप्रोप्रिएशन से पहले हो सकता है अप्रोप्रिएशन के बाद, ठीक है ओके एक सेकंड रुकना, ओके अब आते हैं हम लोग का फेवरेट सेक्शन 24 गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, भैया ये क्या होता है गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, आज है 2nd of August, ठीक है 2nd of August को रामू संजू को एक कार दिया, ठीक है कार दिया और ये कार जो है इसका सेल हुआ ऑन अप्रूवल बेसिस, ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस दो टाइप का हो सकता है, एक जिसमें टाइम बता दिया है कि भाई
संजू तेरे पास है एक हफ्ता का टाइम, एक हफ्ता में तुमको चाहिए तो हाँ बोलना, नहीं चाहिए तो ना बोलना। अगर तुम एक हफ्ता तक अपने पास रखा उसके बाद भी रख रहा है, हम क्या समझेंगे कि तुम रख लिया, तुम पैसा देगा। दूसरा, टाइम का कोई जिक्र नहीं किया। जब टाइम का जिक्र नहीं किया, हम लोग कौन सा टाइम देखेंगे? रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम, ठीक है। देखो मैं एक बात बता रहे हैं, बहुत सारा बच्चा लोग होता है ना, क्लास में बैठा हो देख रहा हूं, लेकिन दिमाग में वो कहीं और ही, दिमाग में वो सीए सीएमए बन गया है और वो अपना सैलरी खर्चा कर रहा है, दुबई चल गया घूम रहा है, ठीक है। तो याद रहे, दिमाग भटकेगा। अगर क्लास में रहना है तो जो हम बोल रहे हैं तुम लोग भी रिपीट करते जाना, चाहे धीरे से करो लेकिन लिपसिंग होना जरूरी है, ठीक है। हम इसीलिए बार बार बोलते बोलते चुप हो रहे, ये चीज का तुम लोग को हैबिट डालना होगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा, ठीक सर। रीजनेबल टाइम में जैसे कैसे क्या आ गया? रीजनेबल टाइम क्या होता है? ये है क्वेश्चन ऑफ मैटर ऑफ क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, फैक्ट फैक्ट, ठीक है। डिपेंड करता है क्या फैक्ट है, कैसा है। रीजनेबल टाइम हर जगह का अलग अलग होता है। रीजनेबल टाइम बेसिकली कोर्ट के लिए बना है, स्टूडेंट लोग क्या बोले किसके लिए कितना रीजनेबल है वो सब कोर्ट में मैटर है, ठीक है। तो हम लोग नहीं बोल सकते कि किस गुड्स के लिए कितना रीजनेबल टाइम। डी डील, हाँ डील मतलब डन, हाँ डील मतलब होता है डन, कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। ओके शूट कट आउट, हेलो ओके एक डाउट है सर, इस एक वीक में अगर कार को कुछ डैमेज हुआ तो किसका डाउट, किसका लॉस? अगर इस एक हफ्ता में कार को डैमेज हुआ तो किसका, सोचो। पोजीशन तो बायर होने वाला है उसके पास, हाँ बायर को देना पड़ेगा। अच्छा चलो तुम लोग एक, हमको 5 मिनट लगेगा, मैम का फोन आया था बाहर कुछ काम है, 2 मिनट दे रहे तुम लोग को, तुम लोग ये चीज के बारे में सोचो कि लॉस किसका होगा। अगर हम मानो फैजल को देके रखें गाड़ी हफ्ता भर के लिए, गाड़ी उस टाइम कुछ खराब हो गया, रिस्क कौन झेलेगा? सही जा Thank you.
Thank you.
Okay. So back to our topic. Sale on कौन सा बेसिस? अप्रूवल बेसिस. क्या सीन होता है? क्लियर है? दो कंडीशन है. एक तो भैया आगे वाला पार्टी टाइम दिया है कि इतना टाइम पे जवाब देना है. दूसरा कंडीशन है भैया आगे वाला पार्टी टाइम बताया नहीं. क्या करना है? कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे क्या रीजनेबल टाइम. ठीक है, ओके. चलो यहाँ तक तो कहानी क्लियर. अब पढ़ते हैं हम लोग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में करना है. द प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर. तीन बात बोला है और तीनों बात के बीच में और लगा. सबको और एंड का एंड जो इसका अंतर पता है? एंड मतलब होता है प्लस, मतलब ये और ये दोनों होना जरूरी. और का मतलब या फिर. ठीक है, तो इसमें बोला पहला व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर. मतलब संजू बोल रहा है रामू को मुंह खोल के विद इन वन वीक कि हाँ तेरा गाड़ी हमको लेना है. ठीक है, दूसरा व्हेन ही डज एनी एक्ट अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन. अभी पप्पू बोला जो हम तुम लोग से पूछ के गए कि नुकसान हुआ तो किसका जिम्मेदारी. पप्पू या एग्जांपल याद दिलाया कि भैया बोले थे अगर तुम गाड़ी रेंट पे लिया है, तुम गाड़ी मॉडिफाई करा दिया, मतलब अब तो गाड़ी तुम रखो. ठीक है, तो वही हुआ. हम कोई ऐसा हरकत कर रहे हैं, हमको तुम लोग दिया प्रोजेक्टर कि भैया आप प्रोजेक्टर यूज करके देखिए, कार का एग्जाम्पल, आप कार यूज करके देखिए, पसंद आएगा तो रखिएगा ऑन अप्रूवल बेसिस. हम कार को मॉडिफाई करा दें. ठीक है, तो मतलब क्या है इसका? मेरा हाँ होगा तभी मॉडिफाई कराए, मॉडिफाई करा के तुमको वापस तो देने से रहे. और तीसरा, इफ ही रिटेन्स द गुड्स बियॉन्ड द स्पेसिफाइड टाइम. एक हफ्ता से ज्यादा रखा मतलब ओनरशिप पास हो. मान लो टाइम नहीं बताया था तो रीजनेबल टाइम. अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आपको नोटिस देना जरूरी है, आगे वाले पार्टी को बताना जरूरी है कि हाँ हम गुड्स को रिजेक्ट कर रहे हैं. क्लियर है? अब आए कौन सा सेल ऑफ, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस. वेयर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय द सेलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ऑन द टर्म्स दैट गुड्स वर टू रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर टिल दे आर पेड. मतलब कि हम गुड्स दिए, मान लो केशव को गुड्स, ठीक है, गुड्स का पोजीशन केशव के पास, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ हम क्या बोल दिए थे केशव को पता है? सेल फॉर कैश ओनली. मतलब जब तक हमको कैश का पेमेंट नहीं मिलेगा ओनर हम, जब तक कैश का पेमेंट नहीं मिलेगा ओनर हम, तुम यूज करो कोई दिक्कत नहीं, जब तक हमको पेमेंट नहीं मिलेगा ओनर हम. अगर तुम पेमेंट नहीं देना चाहता अभी वापस, नगद पेमेंट देगा तभी तुमको बेचेंगे, नहीं तो वापस कर दो मेरा सामान. क्लियर है? तो अगेन आई एम रीडिंग द सेम थिंग. गुड्स वर टू रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर टिल दे आर पेड फॉर. ओनरशिप प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप डज नॉट पास टू द बायर अंटिल कैश इज पेड फॉर. जब तक कैश पेमेंट नहीं होगा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा इसमें. ठीक है, और चौथा रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल. नगद का मतलब पेमेंट इन हैंड तुरंत. ठीक है, उधार का मतलब कभी और देंगे, क्रेडिट. पेमेंट का मेथड ऑनलाइन वॉनलाइन कुछ भी, आपकी सेल फॉर कैश बोला है बट कैसे भी ऑनलाइन कर दिया भैया उसी में आएगा. ओके, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल. हमारे आज के दिन में अगर तुम लोग कुछ नया सीखने वाला है तो वो ये, और ये तुम लोग जब सी ए सी ए में बन जाएगा ना तो तुम लोग के पास क्या है पता है? अपने क्लाइंट के लिए एक शस्त्र है, वेपन. ठीक है. हेलो सर. हाँ हेलो. बोल 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 बोल. हेलो सर, इससे पहले बता रहे थे सर उसमें सेल मतलब कैश सेल से तुरंत में कि अगर हम यूज करने के लिए सामान दे देंगे
उसके बाद क्या बोल रहे? सिंपली मानो हम सामान लिए, ठीक है, एक गाड़ी ली है तुमसे, कैश का पेमेंट 5 दिन बाद गया, 5 दिन बाद तू ओनर बनोगे। नॉर्मली क्या होता है, गाड़ी गाड़ी का पेपर मेरे नाम पे हुआ, डिलीवरी हो ना हो, पेमेंट हो ना हो, गाड़ी मेरा, नॉर्मल रूल ये। बट सेल फॉर कैश और रिटर्न बेसिस में क्या है, जब तक कैश का पेमेंट नहीं आएगा गाड़ी ओनर का, जब पूरा कैश पेमेंट आ गया तब गाड़ी तेरा। हायर परचेस याद है, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ट्रांसफर होता था, वैसा ही कुछ, बस इसमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं होगा, एक बार ही होगा, ठीक है। ओके, हम लोग राइट ऑफ डिस्पोजल के बारे में जानने वाले हैं, क्या है। एनीबडी जिसके पेरेंट्स यहाँ पे ट्रक के काम में, कैरेज वगैरह का कुछ काम नहीं, मानो ये है सेलर। सेलर क्या किया, गुड्स को ट्रक में डाला, ठीक है, और भेज दिया बायर। अभी तक हम लोग जितना पढ़े उसको यूज करते हैं। पहले ये तो बताओ गुड्स कौन सा है, स्पेसिफिक, असर्टेंड या अनअसर्टेंड? स्पेसिफिक है, चलो माने स्पेसिफिक है, ठीक। अभी हमको ये बताओ इसमें क्या हो रहा है, ओनरशिप किसका है? बायर का, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना भाई, डिलीवरी हुआ हो ना, पेमेंट हुआ ना, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। स्पेसिफिक में क्या पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी, तो गुड्स बायर का हो गया। मानो हम धनबाद टू रांची भेजे, 5 घंटा लगेगा ट्रक को। अभी क्या हुआ, तुम सेलर का सीए या सीएमए, ठीक है, तुम सेलर का देखता है सारा लॉ रिलेटेड थिंग और टैक्स रिलेटेड थिंग। सेलर बोला होता क्या मेरे साथ पता है सर, मैम, हम जब गुड्स बायर को भेजते हैं, बायर बोलता है पेमेंट दे देंगे, जैसे ही गुड्स हम ट्रक में चढ़ाते हैं बायर का रवैया बदल जाता है और हम बोलते हैं गुड्स का जो ड्राइवर बैठा हुआ, इसको यहाँ पे जो ड्राइवर रहता है जो गाड़ी चलाता है, इसको हम बोलते हैं कि वापस लाओ गुड्स, तो ये बोलता है कि ओनर तो बायर है। जैसे ही गाड़ी में चढ़ाए गुड्स, ओनर कौन हो गया, बायर हो गया। अभी मेरा सुनेगा क्या सेलर, नहीं सुनेगा, हम क्या करें? तो हम बोले सुन भाई, एक कॉन्सेप्ट है राइट ऑफ डिस्पोजल। ये कॉन्सेप्ट जो लॉ में है ये तुमको एक राइट यानी कि हक देता है। कैसा हक देता है, कि तुम एक कंडीशन रख दो, हो सकता है कि ये कंडीशन पेमेंट का हो सकता है किसी भी और चीज का हो, ठीक है, तुम एक कंडीशन रख दो, जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। हम सेलर को इस चीज के बारे में बताएं, सेलर गया बायर को बोला बायर राइट ऑफ डिस्पोजल मेरे पास है, हम राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करते हैं, ऐसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आई एम रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। अभी क्या हुआ, हम जैसे ही इस बायर को ये बात बताएं, 5 घंटा लगेगा पहुंचने में, इस बीच हमको पता चल गया कि भाई बायर तो पैसा देने से, हमको कहीं से खबर आ गया कि इसका इरादा गड़बड़। हम अब ड्राइवर को फोन करेंगे ना, ड्राइवर को वापस लाना होगा, क्यों, राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास है, मेरे पास। चलो 5 घंटा बाद उसके पास पहुंच गया, हम बायर को कंडीशन रख दिए कि बायर सुन, जब तुम कम से कम 5,000 का पेमेंट नहीं करेगा जब तक हम तुम डिलीवरी होने नहीं देंगे। उस तक पहुंच गया, उसका घर के बाहर खड़ा है, क्या ड्राइवर उतारने देगा, नहीं उतारने देगा, पहले वो 5,000 अपना हाथ में रखेगा फिर उतारने देगा। ये जो हक तुमको चाहिए, इस हक को बोलते हैं राइट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब गुड्स के साथ क्या होगा, ये मेरा है, हम चाहे तो गुड्स को वहां जला दे, हमको रोक सकता है क्या बायर, अगर हम कंडीशन रखे हैं बायर को, वो कंडीशन फुलफिल करने का जरूरत है। कंडीशन कुछ भी हो सकता है हम बोले टोटल पेमेंट 5 लाख का, तुम 2 रुपया दो, मेरा मन ना कंडीशन का, हो सकता है पैसा का कंडीशन ही ना हो, कंडीशन हो कि तुम एक काम करना, गुड्स उतार लेना, पेमेंट बाद में देना, चले बस भाई ड्राइवर को रुकने का रात में जगह दे देना,
हो सकता है हम रिजर्व कर रहे हैं भाई राइट ऑफ डिस्पोजल, गुड्स तभी देंगे जब तुम ड्राइवर को रुकने के लिए रात में जगह दे, समझ आ रहा है बात? ये है राइट ऑफ डिस्पोजल, एक बार पढ़ते हैं। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और अप्रोप्रिएटेड गुड्स, द सेलर में रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, मतलब कुछ कंडीशन है, सर्टेन कंडीशन जिसको फुलफिल होना जरूरी है। इस केस में क्या होगा, प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ओनरशिप डज नॉट पास टू द बायर अंटिल द कंडीशन इम्पोज्ड इज, अंटिल द कंडीशन इम्पोज्ड बाय द सेलर आर फुलफिल्ड इवन दो ही गिव्स डिलीवरी टू द बायर और करियर, चाहे किसी के पास जाए ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक आप कंडीशन फुलफिल नहीं करते। सेल ऑन कैश बेसिस कंडीशन था एक टाइप का कि भाई कैश में पेमेंट दो तभी होगा, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस हाँ या ना है बताओ एक टाइप का कंडीशन है, समझ आ रहा है बात? राइट ऑफ डिस्पोजल, राइट टू डिस्पोजल यही है। हाँ हाँ वहां बता देना होगा, ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी भेज दी उसके सामने खड़ा है हम फिर बोल रहे हैं हमको रिजर्व करना है राइट टू डिस्पोजल, नहीं आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कंडीशन आपको तभी रखना है, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस अंडर विच राइट टू डिस्पोजल में भी रिजर्व, कुछ सर्कमस्टेंसेस है जहां पे हम इसको रख सकते हैं। यहां पे आया कॉन्सेप्ट, ऊपर पढ़े थे अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन किसमें पढ़े थे सर? पहले ये बताओ अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन किसमें पढ़े थे? दो कंडीशन था, दोनों को फुलफिल होना जरूरी था सर, सैंपल और डिस्क्रिप्शन था ना, इंप्लाइड कंडीशन। वन प्लस टू अनअसर्टेन गुड्स में पढ़े थे कि पहले तो असर्टेन करना जरूरी है, दूसरा अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए, फिर अप्रोप्रिएशन का मतलब बताए थे हम कि किस इंटेंशन से उसको परफॉर्म करने के लिए ही हम अलग कर रहे हैं बिना कोई कंडीशन। हाँ क्या पूछ रही थी तनु? सर आप जैसे हम लोग सेल का डिफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें होता है एग्री या एग्री टू सेल या फिर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर, तीन पॉइंट पढ़े थे, लेकिन फिर यहाँ पर आ रहा है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो हो गया है लेकिन नहीं, फिर हम एग्री टू सेल जो था वो था उसमें सेलर में, सेल का डेफिनेशन में एग्री टू सेल थोड़ी था। नहीं सर सेल के डेफिनेशन में था ना प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अगर तो एक सेलर ट्रांसफर कर देता बायर को तो हाँ, तो हाँ, सेल मानेंगे कम्प्लीट हो गया है हाँ, तो लेकिन सर आप यहाँ पे फिर बोले ना कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया लेकिन अगर हम चाहें तो फिर रोक सकते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ है, पोजीशन ट्रांसफर हुआ है, प्रॉपर्टी तो ओनरशिप हुआ ना। सेल कब होता है? जब ओनरशिप ट्रांसफर होता है। यहाँ पे हम गुड्स को ट्रक में चढ़ा के भेज दिए, पोजीशन उसके पास गया, मेरा गुड्स धनबाद से रांची पहुंचा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ अभी तक। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? राइट टू डिस्पोजल है मेरे पास, जब तक कंडीशन वो आगे वाला पार्टी कंप्लीट नहीं करेगा हम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्लियर हुआ अब? यस सर। ठीक है, देखो कुछ जगह पे कंडीशनल अप्रोप्रिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, एग्जांपल्स दिखाते हैं। मानो गुड्स को शिप में डाल के भेज रहे या फिर रेलवे के द्वारा भेजा जा रहा है, ठीक है। अभी मानो अगर शिप में है तो क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग आगे वाला पार्टी दिखाएगा तभी उसको माल उतारने देगा जहाज से, या फिर रेलवे रिसीट। कोई आज तक जहाज देखा है, शिप देखा है रियल लाइफ में? कहाँ देखा है? नहीं टीवी में देखे, विशाखापट्टनम में। टाइटैनिक तो देखा है ना तुम लोग? यस सर। तो मानो टाइटैनिक में माल चढ़ा है, अब तो है नहीं, टाइटैनिक डूब गया था, लेकिन अगर हम उससे माल उतारना चाहें हमको कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, बिल ऑफ लेडिंग, और अगर ट्रेन से माल उतारना है तो दोनों क्या है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? ऑफ टाइटल, जिसके हाथ में होगा माल उसको मिल जाए, ठीक है। द गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और हिज एजेंट, देन द सेलर विल बी प्राइमा फेसी डीम्ड टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। ये माना जाता है कि सेलर रिजर्व करके रखा है, क्या माना जाता है कि सेलर रिजर्व करके रखा है, प्राइमा फेसी का मतलब तुम लोग जानते हैं, पहली नजर में। किसका किसका दिमाग में आगे बज गया,
प्राइमा फेसी का मतलब होता है पहली नजर में, अगर कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और हम ट्रेन के द्वारा या फिर जहाज के द्वारा सामान भेजे हैं और कुछ बात नहीं हुआ राइट ऑफ डिस्पोजल को लेके, माना यह जाएगा कि राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व्ड है सेलर के द्वारा, ठीक है। दूसरा, वेयर द सेलर ड्रॉज अ बिल ऑन द बायर, बिल ऑफ एक्सचेंज किसको किसको एकदम क्रिस्टल क्लियर है, किसको किसको डाउट है, चलो ये बताओ। बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ा थोड़ा डाउट है, पहले बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर करो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो लोग हाथ नहीं उठाया उन लोग पूछेंगे सवाल। एक है सेलर, एक है बायर, ठीक है। क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेलर एक बिल लिखता है, बायर पे लिखिएगा, बिल लिखेगा कौन, हु इज द ड्रॉअर ऑफ द बिल, सेलर लिखेगा बिल, वेरी गुड, सेलर है ड्रॉअर, सेलर एक बिल बनाएगा और वो देगा बायर को, बायर क्या करेगा, एक्सेप्टेंस देगा, साइन करेगा, मतलब एक्सेप्टेंस हो गया, बिल एक्सेप्ट हो गया, और फिर क्या करेगा बायर उसको, उसको वापस कर देगा, ठीक है, साइन किया हुआ बिल, ठीक है, बिल को एक्सेप्ट किया, साइन किया हुआ बिल सेलर को वापस दे दिया। सेलर के पास कैश है क्या, सेलर के पास एक टाइम है कि भैया 3 महीना बाद तुम जाना मेरा बैंक में, बिल दिखाना और ले लेना, ठीक है, क्लियर है यहां तक कहानी, कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं है। बिल्स रिसीवेबल कौन बोलेगा, सेलर, सेलर कहीं कि इसको पैसा मिलने वाला है, इसके लिए क्या है एसेट, बिल्स रिसीवेबल, और चिंता किसके लिए, बायर की, 3 महीना के अंदर भाई पैसा डालना है उसको देना है। मानो 1.5 महीना पार हुआ, सेलर को पैसा का जरूरत है, सेलर क्या करेगा, बैंक से डिस्काउंट करा लेगा, डिस्काउंट इंडोर्स करा देगा, इंडोर्स नहीं बोलेंगे उसको, डिस्काउंट बोलेंगे, बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा भाई देख 5 लाख का बिल है, ठीक है, 5 लाख का बिल है, 5 लाख का हमको पेमेंट मिलना चाहिए, एक काम करना तू 10% काट ले हमको, तुम 10% कितना, 5 लाख का 4.5 लाख दे दे, 50,000 किसका जेब में गया, बैंक, मजाया गेम, ये गेम होता है पता है, बैंक का अकाउंट 5 लाख नहीं होगा, बैंक से तुम 500 करोड़ भी मांगेगा वो दे देगा, बैंक क्या करता है पता है तुमको, मानो बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक क्या करेगा बताओ, सर वो अकाउंट में पैसा डाल देगा, दो में से एक चीज कर सकता है, मानो बैंक कंगाल है, यस बैंक है, यस बैंक में तुम गया बोला हमको दीजिए 1 करोड़ रुपए, यस बैंक तो उसका हालत खराब हो जाएगा, 1 करोड़ नहीं दे पाएगा वो अभी, ठीक है, पर वो कुछ टाइम पीरियड लेता है ना देने के लिए पैसा, हम बता रहे हैं वो क्या करेगा, एक तो वो इंडोर्स कर देगा, वो बोलेगा आप जाइए ना बगल में SBI है वहां से ले, दूसरा वो SBI को फोन करके बोलेगा भाई जल्दी जल्दी पैसा भेज, कस्टमर खड़ा है, क्योंकि ये डिस्काउंट उनके कमाने का उपाय है, डिस्काउंट से 50,000 कुछ नहीं किया वो फिर भी उसका जेब में आया ना, तो ये उपाय है, तो वो कुछ ना कुछ करेगा, या तो वो इंडोर्स कर देगा कि बगल से ले लिए SBI अपना भाई, या फिर रुकिए 2 मिनट मंगा रहे पैसा और उसको दे देगा, क्लियर हुआ, ठीक है, ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब आते हैं वेयर द सेलर ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्लियर हो रहा है भाषा, ऑन द बायर फॉर द प्राइस एंड सेंड्स टू हिम द बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद द बिल ऑफ लेडिंग, क्या बोल रहे, सेलर जहाज में माल चढ़ाया गया, जहाज का ड्राइवर को क्या बोलते हैं, कैप्टन या फिर सेलर, SAILOR, नहीं देखा है तुम लोग बचपन में पापा इज द सेलर मैन, ठीक है, सेलर होता है अपना, सेलर को बोलेगा भाई मेरा बात कुछ सुन, ये है बिल ऑफ लेडिंग, ये नंबर आगे वाला पार्टी दिखाएगा तुमको माल देना है, लेकिन मेरे को वो पेमेंट अभी तक दिया नहीं है, तो साथ में क्या दिया, बिल ऑफ लेडिंग के साथ साथ क्या दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, रेलवे रिसीट बिल ऑफ लेडिंग कुछ भी मान लो, ठीक है, बोला कि भाई सुन अगर बायर माल खरीदेगा पहले उसको बोलना इसको साइन कर, ये डाल दिया कंडीशन, जैसे ही कंडीशन डाला क्या हो गया, राइट टू डिस्पोजल रिजर्व हो गया, अब जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन नहीं करेगा सेलर नहीं देगा गुड्स, जब वो साइन करेगा सेलर उसको अपना हाथ में रखेगा गुड्स उतरवाएगा, सेलर जब रिटर्न करेगा तो फोन करेगा हमको बोलेगा भाई आपका बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हो गया आप आके ले लो,
हम आके लेंगे जितना महीने का टाइम है, उसके बाद जाके पैसा ले लेंगे हम बैंक से। समझ आया गेम? समझ आया? तो एक तो यहाँ पे कंडीशन होगा, अगर हम साथ में बिल दिए हैं बायर मजबूर है साइन करने के लिए, नहीं तो राइट टू डिस्पोजल मेरे पास है। हम सेलर को बोलेंगे काम कर सारा गुड को नदी में डाल दे भाई, मत दे उसको, उसके सामने बर्बाद कर, मेरे पास वो हक, ओनर नहीं बना बायर। और पहला कि नॉर्मली ऐसा माना जाता है रेलवे और शिप वगैरह में कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो सेलर रखा है भाई अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है? ये दो केस में हम लोग को मानना है, क्लियर है? एक बार रीड करो पॉइंट वन पॉइंट टू। ऑनलाइन वाला बच्चा किसी को कोई डाउट? नो सर। सर वो जो लास्ट वाला लाइन है एंड इफ ही रॉन्गफुली रिटर्न्स द बिल ऑफ लैडिंग, अभी क्या हुआ सुनो, तुम अभी गेम खत्म नहीं हुआ, पूरा कहानी सुनो। हम उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिए हैं सेलर को, लेकिन सेलर जो है भूल गया कि हमको साइन भी कराना था, बिल ऑफ लैडिंग दिखाया और माल लेने खोज रहा बायर, बायर को माल भी दे दिया। फिर सेलर को याद आया जॉ हम तो बिल साइन कराना भूल गए, तो क्या ओनर बन गया है बायर? नहीं, जब तक बिल साइन नहीं होगा बायर ओनर नहीं बने। इफ ही रॉन्गफुली रिटेन्स द बिल ऑफ लीडिंग, या फिर रेलवे रिसीट, मानो गलती से घपला करके वो कोशिश कर रहा है, वो ओनर नहीं बना। ओनर कब बनेगा? जब कंडीशन फुलफिल हो। समझ आया? ठीक, तो ये पूरा ज्ञान था, अभी तक ज्ञान ही चल रहा था। अब इसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे आगे ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का बात कर रहे हैं सर। किसका वाल है, किसका नाम है, कुछ जनरल रूल है, मतलब जनरली अगर कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है तो जनरली क्या होगा? मानो सेलर सेल्स ओनली सच गुड्स of which he is the absolute owner. तुम कभी भी किसी से सामान खरीदता है, कभी पूछता है ये चोरी का तो नहीं है, क्या अज्यूम करता है? यही ओनर है। याद करो कंडीशन एज टू टाइटल, याद आ रहा है कि हम लोग का दिमाग में है भैया कि यही बंदा ओनर है। हम लोग क्या सोचते हैं कि सेलर इज द एब्सोल्यूट ओनर। इन अदर वर्ड्स टाइटल ऑफ द बायर शैल बी द सेम एज दैट ऑफ द सेलर। तुम एक चोर से सामान खरीदता है, क्या वो सामान तुम्हारा हो जाता है? नहीं, देना अगर पड़ेगा। चोर बाजार से जाके एक आईपैड खरीदा, जैसे आईपैड ऑन करेगा आईपी एड्रेस ट्रैक होगा, तुम्हारे घर में आएगा पुलिस, वो आईपैड उठा के ले जाएगा। तुम बोल सकता है मेरा आईपैड है, नहीं चोरी का था। तो अब हम क्या करें? अब तुम वो चोर को ढूंढो और उस पर केस करो। समझ आया? क्यों? क्योंकि वो सेलर नहीं है। सेलर कौन होता है? जिसके पास गुड्स का हक है, जो गुड्स का ओरिजिनल ओनर है। अगर हम गुड्स का ओरिजिनल ओनर नहीं है तो सामान नहीं बेच सकते, ये रूल है। यही रूल को ना लैटिन में क्या बोलते हैं पता है? नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। सबको बोले नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, मतलब नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। जिसके पास जो चीज नहीं है वो नहीं दे सकता, ठीक है? ये लैटिन वाला याद करना जरूरी है।
ये जरूरी है, ये आंसर में लिखना पड़ेगा। सवाल आया है ऐसा कुछ टाइटल को रिलेटेड, तो सजेस्टेड आंसर में लिखा रहेगा। नेमो दैट कॉज नॉन हैबिट, ठीक है। दस क्यों दिया हुआ ये टाइटल, तुम लोग के लिए मुश्किल करेगा पेपर और। सर ये जो वर्ड है वो लैटिन से है, ये पूरा लैटिन शब्द है, ठीक है, हम लोग को रटना पड़ेगा। लैटिन समझ लो संस्कृत जैसा है, हिंदी जो है किससे निकला, संस्कृत से निकला, ठीक है, वैसे ही लैटिन है, लैटिन से भी बहुत सारा अलग अलग भाषा निकला। सेलर कैन नॉट ट्रांसफर टू द बायर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, मेरे पास जैसा टाइटल है जैसा हक है हम उससे बेहतर आगे वाला पार्टी को नहीं दे सकते। अगर मानो हम चोरी का सामान लिए हैं तो हम आगे वाला पार्टी को बेच के पूरा ओनर नहीं बना सकते, वो भी चोरी कहलाएगा, चोरी का सामान लेने वाला जो होता है आदमी वो भी चोर कहलाता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए सामान चोरी किया और बी को बेचा, बी अच्छा इरादा से लिया, बी को नहीं पता है चोरी, ठीक है, लेकिन बी को अच्छा टाइटल नहीं मिला, बी को जो टाइटल मिला है वो डिफेक्टिव टाइटल है, बी को जो हक मिला है वो डिफेक्ट है उसको, क्यों, चोरी का माल, ठीक है। ट्रू ओनर जब तक नहीं बेचेगा आपको सामान, आप उसके असली ओनर नहीं हो, क्लियर है ये पॉइंट। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, हाँ क्या बोल दिया सर, कोई भी अगर सामान लेगा तो उसमें प्रूफ तो लेगा ना कि ये है कि नहीं, बहुत बार नहीं लेते। Let me tell you an example. जैसे ट्रक लेंगे या फिर स्कूटर लेंगे, कुछ भी लेंगे, ट्रक तो बड़ा चीज है, हाँ तो वो भी चोरी कर बेच सकते हैं। तुमको हम सिंपल एग्जांपल समझा रहे हैं, आज ही हम सुबह न्यूज में देख रहे थे क्या हुआ है, ग्रीडी जान रहा सब, ग्रीडी का इमेज जान रहा है तुम लोग कैसा है, ट्रक ड्राइवर जा रहा था कोयला लेकर, ठीक है, ट्रक ड्राइवर को पेड़ से बांध दिया, ट्रक और कोयला दोनों लेकर चल गया। अब वो लोग जब ले जाके बेचेगा तो कोई पेपर मांगेगा, तुम ही को मानो ना उसके पास कितना टन कोयला होगा, वो अगर एक पूरा कोयला का थैला बना के बेचेगा तुमको तो तुम उससे पेपर मांगेगा, नहीं मांगेगा, तुम ले लेगा। इतना छोड़ो, कोलकाता कौन कौन गया, कोलकाता दिल्ली मुंबई चांदनी चौक चोर बाजार नाम सुना हुआ है, कोलकाता में बहुत चोरी होता है। हम ही तुमको अपना सीन बता रहे, हम गए थे BHU का एग्जाम देने, मेरा सेंटर पड़ा था चांदनी चौक, पहली बार धनबाद से निकले, तो वहां पे हम देखे कि ठेला नॉर्मल, मतलब कैसा ठेला जो यहाँ पे थर्सडे बाजार लगता है, ठीक है, स्टेशन के पास जो ठेला है वहां पे वो लोग बेच रहा है iPhone 6s, ठीक है, वो फोन जो 60,000 में आता है वो हमको 7,000 में दे रहे हैं, ठीक, हम उसे पेपर लेने जाएंगे क्या, दे भाई, लेकिन वो चोरी का होता है, बहुत सारा होता है डॉक का, डॉक का माल समझता है, डॉक का माल क्या होता है, क्या होता है, बंदर कहाँ से लाते हैं, मानो शिप से माल उतार रहे हैं, 500 यूनिट है, 4 यूनिट साइड कर लिए, डेली अगर हम 4-4 यूनिट आईफोन साइड करेंगे मेरे पास कितना हो जाएगा महीना में, 120, एक आईफोन अगर हम 10,000 में बेच रहे हैं मेरे पास महीना का फ्री में कितना आ रहा है, 1,20,000, समझ आया गेम, समझ आया डॉक का माल क्या होता है। तो यहां तक कहानी क्लियर है कि जरूरी नहीं है बार बार कागजात मांगो, अभी यही सवाल था कि भैया पेपर नहीं मांगेंगे कि वो ट्रू ओनर है कि नहीं, बहुत बार नहीं मांगते, मतलब सर सस्ता में दे दे रहा है इसलिए क्या ऐसा नहीं मांगते हैं ना, डिपेंड करता है बेटा कि बायर कैसा है, ठीक है, ऐसा लॉट थोड़ी बना हुआ है कि हम आगे वाला से पेपर ले। अब मानो हम कोई मोबाइल दुकान वाला के पास गए तो वही जो बिल बना के दिया वो मेरा, अब भाई साहब चोरी करके लाया हमको बिल बना के दे दिया, हमको थोड़ी पता, हम तो गुड फेथ में लिए, लेकिन पुलिस हमसे वो फोन आके ले जा सकता है, वो हम नहीं रख सकते, ठीक है, ये सब लॉ है, ये सब थियोरिटिकल है, पहले ही बोल रहे हैं, रियल लाइफ में जब तुम लोग जाएगा ना कुत्ता जैसे दौड़ाएगा तुमको पुलिस, ठीक है, झरिया में सब्जी पट्टी सबको जानता है, सब्जी पट्टी में अगर तुम फोन अपना ध्यान से नहीं रखा है तो वो गायब हो, ठीक है, और पुलिस को पता है वो किसके पास है, लेकिन कम से कम तुमको 2-3 महीना दौड़ना होगा अपना फोन पुलिस से लेने के लिए, पुलिस मारा चोर को पकड़ के चोर से ले लिया है फोन, अब तुम पुलिस से लेने के लिए परेशान, क्योंकि पुलिस समझ रहा है 30,000 का फोन है, कम से कम 1,000 रुपया तो हम इसे लेंगे, तो ये सब क्या बात है, ये सब लॉ में नहीं बताता हम लोग, ये सब रियल लाइफ में, ठीक है। सेलर क्यों देगा डैमेज, सेलर कुछ नहीं, सेलर अपना फोन आएगा ले जाएगा पुलिस को आके लेके, जो
मतलब जो ओनर है, जो सेलर है वो तो अच्छा खासा डैमेज उनको देगा। एक तो मेरा फोन जो चोरी का बेचा 30,000 रुपया वो वापस लेंगे, प्लस उसको बोलेंगे चल बेटा हमको डैमेज दे। डैमेज कैसा, तुम्हारे चक्कर में मेरा घर में पुलिस आया, चल मेरा रेपुटेशन खराब हुआ डैमेज। तेरे चक्कर में मेरा फोन का डाटा गया, चल उसका पैसा दे, हम 1,000 डैमेज ले। सर लेकिन अगर दोनों इंक्लूड हो तो? सर दोनों इंक्लूड हो मतलब? मतलब जैसे कि चोर बाजार हो गया, वहां पे तो हम लोग को पता है कि चोरी का सामान बिकता है, तो दोनों को तो पता है सर। और अगर कोई रियल ओनर उसका लेता है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? वो तो फ्रॉड में दोनों आ गया ना, दोनों इंक्लूड है। बेटर हो जाता है प्रूफ करने का, ठीक है? इसका सवाल है कि अगर मानो हम लोग गए चोर बाजार में, तो हम लोग को तो पता है ना भाई कि चोरी का सामान बिक रहा है, हम खरीदे चोरी का सामान, मेरा घर में आके पुलिस ले गया, अब हम केस कर सकते हैं उसके ऊपर? नहीं भैया, आप चोर बाजार से सामान लिए, आप कोर्ट में जाके क्या बोलेंगे? सर हम चोर बाजार गए थे, सामान लिए चोरी का, हमसे वापस लेके चलिए सर, बताइए। बोल सकते हैं ऐसा? नहीं बोल सकते। ठीक है, ओके पप्पू, तेरा क्या डाउट है? एकदम इलीगल, ठीक है? दूसरे कंट्री का कोई प्रोडक्ट तुम ले रहे हैं और इंडिया में उसका कोई सर्विस नहीं है, दूसरा कंट्री का आदमी को पता भी नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे बिका, इस आदमी को उसके पास कुछ उसका हिस्सा भी नहीं गया, तो वो लीगल नहीं है, वो भी इलीगल चीज होगी। एक्सेप्शन में आता है, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? एक्सेप्शन मतलब आप ओनर नहीं है लेकिन आप जो सामान बेचे हैं वो वैलिड है। अरे हम ओनर नहीं है, हम एजेंट है। आज तुमको अगर जियो का सिम खरीदना रहता है तो ममानी के पास जाएगा, तुम जियो का डीलर पास जाएगा, एजेंट के पास जाएगा, वो तुमको जियो का सिम देगा। तो क्या अंबानी आके बोल सकता मेरा सिम वापस कर? आपको गुड टाइटल मिल रहा है, भले ही ओनर नहीं है लेकिन एजेंट तो है। ऐसा कई सारा एक्सेप्शन है, जब ओनर सामान नहीं बेचता है, कोई और बेचता है, बट तुमको जो टाइटल मिलता है वो अच्छा होता है। जैसे कि मर्केंटाइल एजेंट, एजेंट कौन होता है? क्लियर है? द एजेंट वॉज इन द पोजिशन ऑफ गुड्स और द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, ओनर का हाथ था। तुम लोग कभी अगर बाहर जाएगा रहने के लिए, जॉब वॉब करेगा, तुम लोग को क्या लगता है कैसे जॉब होता है? मम्मी मेरा जॉब लग गया, दूसरा दिन तुम फ्लैट खरीद लेगा, भाड़ा पे लेगा। भाड़ा पे लेगा तो जरूरी नहीं है फ्लैट का ओनर बेचे भाड़ा पे, तुमको रेंट पे दे। एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स, वो लोग डॉक्यूमेंट बनाते, सब कुछ वो लोग करते हैं, बट क्या कल को उसका असली मालिक आके तुमको निकाल सकता है अंदर से? नहीं भैया, एग्रीमेंट बना है, आपका ब्रोकर है, ठीक है, वो आपका एजेंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। आज हम फिलिप्स का एजेंट है, मेरा दुकान में फिलिप्स का माल पड़ा हुआ है, और हम क्या किए, पिज्जा भी बेचने लगे, मेरा पिज्जा खा के एक आदमी मर गया, फिलिप्स जिम्मेदारी लेगा? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थोड़ी था भाई। ऐसे ही डोमिनोज एक बल्ब बेचेगा जो खराब हो जाएगा तो हम डोमिनोज में ले जाके बोलेंगे वापस कीजिए? नहीं, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था वो, आप जिस बंदा से लिए उससे समझिए। हम अपने एजेंट को जिस चीज के लिए ऑथराइज किए हैं वो बंदा सिर्फ वही बेच सकता है, ठीक है? बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ, नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी टू सेल। अब क्या हुआ सुनो, एक एजेंट है, ठीक है, उसको बैठा के रखे हम दुकान में, फिलिप्स का एजेंट है, उसको हम क्या बोले पता है? कस्टमर अगर आएगा तुम उसका नाम नंबर लेना, सामान तुम नहीं बेचेगा। हम किसको बोले? एजेंट को। क्या कस्टमर को ये बात पता होगा? वो तो मासूम आदमी है, ले लेगा। अब हमको बताओ, क्या कस्टमर का घर में घुस के मुझसे बल्ब ले सकते हैं? बताओ, सोचो, नहीं ले सकते। कॉमन सेंस है भाई, अगर हमको क्या बोलेगा कस्टमर कि आप या तो बोर्ड पे लिख के टांगिए कि इस बंदा से नहीं लेना है सामान, या फिर बंदा बदलिए, समझे? क्यों? क्योंकि हमको तो यही लगेगा ना कि आपका एजेंट ऐसे सामान लेना है। अगर हम गुड फेथ में जाके लिए, कोई बोर्ड नहीं टंगा हुआ है, कोई हमको मतलब नोटिस नहीं दिया है कि इससे सामान नहीं हमको खरीदना है, तो हम खरीद सकते हैं भैया। आप लोग अपना समझो, एजेंट मालिक अपना समझेगा, बायर नहीं पछताएगा, ठीक है? सेल बाय वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स। जॉइंट ओनर के बारे में सबको जानता है? यस। क्या हुआ, मेरे को ना चाहिए था, क्या बोलते हैं इसको, एक गाड़ी, ठीक है? अभी मानो वो गाड़ी जो है अंशु और केशव साथ में खरीदा,
ठीक है, ऐसे ही लोग किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम चलाएंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तुम चलाना, संडे को दोनों घूमेंगे, ज्वाइंट ओनर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या हुआ, हम गए, हम बोले यार केशव हमको तेरा वो गाड़ी चाहिए, ठीक है, केशव हमको वो गाड़ी भेज दिया। बाद में अंशु आके बोलता हम तो गाड़ी नहीं देंगे आपको, क्या अंशु ऐसा बोल सकता है? बोल सकता है, दोनों नाम पे रजिस्ट्रेशन है तो दोनों का साइन होना जरूरी है। एक भी बंदा किया तुम लोग आपस में समझा, एक भी बंदा सेल किया, वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर हैड द सोल पोजीशन ऑफ देम बाय द परमिशन ऑफ द को ओनर, द बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ, नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी टू सेल। सिंपल बात है, अगर जॉइंट ओनर है तो हमको थोड़ी पता भाई कि तुम लोग में बात नहीं हुआ। हम गए, हम मानो बोले केशव तुम अंशु से बात कर और बता बेचेगा कि नहीं। केशव बोला हाँ 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 ले जाइए ले जाइए। तो अब मेरा गलती है, अब तुम लोग समझो, लैंड क्या गुड्स होता है सर, लेकिन तो इमोवेबल प्रॉपर्टी है, गुड्स नहीं होता है सर, लेकिन शेयर अगर बिकता है सर। हेलो, एक सेकंड रुकना, हाँ एकदम क्लेम कर सकता है, कोर्ट में ये बात जाएगा, हो सकता है हम केस हारे अगर वो अपना केस को मजबूत कर ले तो। बट जनरल रूल क्या है कि अगर जॉइंट ओनर है और एक ओनर के पास राइट है, पोजीशन है, मतलब मानो हमेशा केशव का गैराज में गाड़ी रहता है, तो हम केशव से जाके बात किए, हम केशव को बोले कि तुम अंशु से बात करके हमको बताओ, केशव बोला हाँ है हाँ है ले जाइए, तो फिर मेरा क्या गलती, हमसे कैसे ले लेगा तुम? हाँ तनु पूछ सर, लेकिन अगर कंपनी का शेयर रहता है सर तो दो या दो से अधिक रहते हैं ओनर्स, तो सबका होता ना सर परमिशन लेना पड़ता है, वो शेयर्स का कहानी अलग है। तो सर गुड्स में तो स्टॉक एंड शेयर्स भी आते हैं ना सर? नहीं नहीं, शेयर्स इसका एक्सेप्शन में आ जाता है, शेयर का समझो क्या है, कंपनी है, ठीक है, कंपनी में क्या होता है ना, वोटिंग होता है, वोटिंग, ठीक है। अभी क्या हुआ, हम कंपनी में शेयर होल्डर हैं, मतलब हम ये नहीं है कि जॉइंट ओनर है, जॉइंट ओनर और शेयर होल्डर अलग अलग चीज होता है, तुमको पता है, हम लोग शेयर्स को भी जॉइंटली होल्ड कर सकते हैं, मानो 500 शेयर खरीदे हम लोग सबको ही मिलकर, ट्यूशन का बच्चा लोग खरीद सकते हैं, और उस 500 शेयर को तुम लोग में से अगर हम लोग को बेचना है तो हम लोग को रेजोल्यूशन वगैरह पास करना होगा, वोट वगैरह पास कराना होगा, तो कंपनी का तो पूरा एक एक्ट है जो सीए में तुम लोग पढ़ेगा, फाउंडेशन में थोड़ा सा, और सीएमए और सीए इंटर में तुम लोग पूरा कहानी पढ़ेगा, ठीक है, वो पार्ट तब क्लियर होगा, उसको लेके अभी दिल में डाउट लाके कोई फायदा नहीं। बाकी गुड्स में ये क्लियर रखो दो बातें, पहला बात, वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर ऑफ द गुड हैड द सोल पोजीशन ऑफ देम बाय द परमिशन ऑफ द को ओनर, केशव और अंशु का था, लेकिन अंशु के परमिशन से गाड़ी किसके घर में रहता था, केशव के घर में रहता था, पहला बात। दूसरा बात, बायर जाके बोला, ठीक है, बायर को नहीं पता था कि केशव के पास हक नहीं है सामान बेचने का, बायर को लगा बेच सकता होगा भाई, समझ गया, पेपर देखो दोनों का नाम रहेगा, देखो अब डिपेंड करता, मानो सेकंड हैंड गाड़ी है, अगर मानो नया पेपर है, नया गाड़ी दो जन खरीदा, दोनों का नाम होगा उस पेपर में, तब दोनों का साइन चाहिए, तब तो मेरे पास ओनरशिप आएगा नहीं, खाली एक जन का साइन चाहिए, तो रूल है। लेकिन मानो सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड में तो तुम लोग का नाम ही नहीं है ना उस गाड़ी के ऊपर, सेकंड हैंड मतलब किसी और का गाड़ी, एक ही जन का पेपर, तुम हमको वही पेपर पकड़ाएगा हाथ में, तो चाहे केशव पकड़ाए चाहे अंशु पकड़ाए, हम तो लेके घर जाएंगे ना भाई, हमको साइन का क्या देखना, समझ आया? लेकिन अगर लैंड का आएगा तो वो कहाँ पर आएगा सर? लैंड गुड्स नहीं है, नहीं है सर, हाँ लेकिन बोल रहे अगर वो ऐसा रहता तो वो कहाँ आएगा? उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट है, तुमको वो देखना होगा, ठीक है। सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्या हुआ सुनो, मानो गुनगुन के पास एक स्पोर्ट्स कार था, डॉल्फिन, सुंदर सा, बट डॉल्फिन नहीं है बे, देखो ना लाइट आ गई, लो दरवाजा भी बना दिया, मस्तांग है मस्तांग, ठीक है, स्पोर्ट्स कार था, ये लेके घूम रही थी, इसको कुछ पब्लिक रोका, बंदूक दिखाया, बोला गाड़ी दो,
ये डर के गाड़ी दे दी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं सर, कोअर्शन हो गया। यहाँ क्या हुआ? कोअर्शन, धमकी, कोअर्शन, ठीक है। कोअर्शन में क्या था? थ्रेटनिंग और कमिट, थ्रेटनिंग और कमिट और बोल, कमिटिंग टू थ्रेट एनी एक्ट, कोई भी सुसाइड वगैरह का धमकी, कुछ भी इसी में आता है। ओके, अभी क्या हुआ कहानी आगे सुनो। कॉन्ट्रैक्ट था भैया वॉइडेबल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक पार्टी क्या होता है? अग्रीव, दुखी, गुनगुन दुखी पार्टी। सवाल उठता है अब क्या करें? अभी क्या हुआ, जो गुंडा लोग लिया था, गुंडा लोग किससे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ये तो, गुंडा लोग लेकर ये गाड़ी आगे भेज दिया, क्या हो? द सेलर हैड ऑब्टेन्ड पोजीशन ऑफ द गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ कोअर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड इन्फ्लुएंस। कुछ भी करके ये मानो बहला फुसला के, धोखाधड़ी करके, कैसे भी करके ये गुनगुन से गाड़ी ले ली। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बी रेसेंडेड अंटिल द टाइम ऑफ द सेल टू द बायर। द बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ, नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर्स टाइटल इज डिफेक्टेड। अभी क्या हो रहा है सुनो, बायर को पता है क्या कि धमकी से लिया? बायर को लगा कि भाई अच्छे से लिया होगा, हम देखे, हम बायर है, हम देखे थे गुनगुन को उस गाड़ी में घूमते हुए, हमको लगा गुनगुन अपना गाड़ी बेच दी, तो हम जाके गुंडा लोग से खरीद लिए। कोर्ट क्या बोलता पता है? अब गाड़ी तो गुनगुन को वापस नहीं मिली, हम ओनर बन गए। क्या ये असली ओनर था? लेकिन हम असली ओनर बन गए, ये थोड़ा ट्रिकी चीज है। भले ही वो वॉइडेबल, देखो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, चोरी नहीं था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, गुनगुन के पास राइट था ना वो तुरंत एफआईआर कराए। अगर वो तुरंत एफआईआर करा दे तब हम फंस गए, तब हमको नहीं, तब मेरा राइट नहीं है। मानो क्या हुआ, गुनगुन भी बैठी हुई हफ्ता भर घर में, बताई नहीं है कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया, मस्त ऑटो में घूम रही, हफ्ता भर के अंदर मेरे पास गाड़ी आ गया है, फिर जाके गुनगुन केस की कोई फायदा? तुरंत केस करना पड़ता है सब चीज में। बोल सर, ऐसा होता है सर? बिल्कुल होता, मतलब अभी तुम ही लोग सोचो ना, अगर मानो धनबाद का कोई बहुत पावरफुल आदमी कोअर्शन करके तुमसे सामान ले लिया, कम से कम हफ्ता भर 10 दिन तो तुम सोचने में लगा देगा कि केस करे कि नहीं करे आगे वाला पार्टी। और उस दौरान अगर वो किसी और को बेच दिया, उसका असली ओनर हो गया, फिर अगर तुम केस कर रहा है, आगे वाला तुमको डैमेज दे सकता है, थोड़ी तुमको सामान वापस दे देगा। समझ आया? हो गया। गुंडा लोग हमको बेचा सर, तो मतलब कि चोरी, हमको नहीं पता था वो लोग गुंडा है, शरीफ दिखता था देखने में, फॉर्मल्स पहना हुआ, ठीक है। लेकिन मेरे और इसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो वैलिड है ना भाई, सब वो साइन किया, कोअर्शन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो सारा डॉक्यूमेंट दी है, प्रूफ वगैरह भी है, मतलब वो डर के की, उसको डर लग रहा था, वो आगे आके बोल नहीं पाया। तो ऐसा जब भी हो, एक सेकंड भाई हमको बोलने दो, जैसे टीवी में दिखाता है, हमको बोलने दो फिर, ठीक है, हमको बोलने दो, ठीक है। सारा पेपर दिया, सब कुछ वैलिड हुआ, बट उसको धमकाया गया था, वो डरी हुई, ठीक है। एक हफ्ता बाद वो केस करने जा रही है, इस बीच में गुंडा लोग उनको गाड़ी बेच दिया, हम असली ओनर है, वो केस कर दी, उसके बाद गुंडा लोग गाड़ी बेचा, कोई फायदा नहीं है, हम असली ओनर नहीं है, हमसे आके पुलिस ले जाएगा गाड़ी। क्लियर हो गया अब केस? अब पूछो तनु, पूछ। सर वही पूछ रहे थे सर, जैसे फिल्म में दिखाता है ना कि एक को पकड़ लेता है और बोलता है कि साइन करना पड़ेगा नहीं तो मार देंगे, वही आप बोलना चाह रहे सर? लेकिन चोरी इसमें नहीं आएगा, अगर चोरी किया हुआ सामान बेचते हैं, चोरी किया हुआ नहीं आएगा, ये तो प्रॉपर अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना भाई, तुमको बहला फुसला के या फिर धोखाधड़ी कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है, अपना मर्जी से, ऐसा लग रहा है ना कि आगे वाला पार्टी अपना मर्जी से किया, बाद में उसको लग रहा है नहीं फंस गए हैं, तुरंत केस करो ऐसा मामला में, ठीक है। ओके, फिर सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट। एक और क्वेश्चन सर, मतलब जो होता है ना कि एक कोई भी जैसे कंपनी का या कुछ का कागजात होता है उसमें अगर अंगूठा लगवा लिया जाता है इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता, कंपनी नहीं कंपनी को बीच में मतलब उसका अलग एक्ट है, कंपनी नहीं सर, अगर कोई गुड्स मान लेते हैं जैसे स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, ठीक है, वो कोअर्शन है, तो उसमें अंगूठा
अगर तुमसे अंगूठा लगवा दिया, मानो कोई गाड़ी का डॉक्यूमेंट है, तुमको फ्रॉड से लगवाया, धोखाधड़ी से, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यही वाला लॉ लगेगा कि भाई अगर तुम सही टाइम पे केस किया तो तुम अपना गाड़ी को बचा सकता है, अगर तुम केस करने में लेट किया तेरा गाड़ी तेरा हाथ से गया, ठीक है? Yes, sir. A fourth point, sale by one who has already sold the goods but continues in possession of them or of the document of title of them. If the new buyer obtains the delivery in good faith and without the notice of the previous sale, he would have good title to them, although the property in goods had passed to the first buyer. A pledge or other disposition of the goods or document of title by the seller in possession are equally valid. सुनो जेठालाल, याद है जेठालाल भिड़े को एक टीवी बेचा, भिड़े बोला भाई देख हम तो स्कूटर में हैं, तुम लोग क्या करना जेठालाल, तुम उसको भिजवा देना टेम्पू से। भिड़े चल गया घर। इन द मीन टाइम पीछे से कौन आई? बबीता जी। अब जेठालाल ना तो बोलेगा नहीं बबीता जी, अब वो क्या किया सुनो, वो बोला हाँ बबीता जी लेके जाइए। ऑलरेडी बिका हुआ गुड्स को वो फिर से बेच दिए। सवाल उठता है क्या भिड़े बबीता जी का घर से सामान उठा सकता है जाके? नहीं। बबीता जी को पता था कि वो सामान भिड़े का है? नहीं ना पता था। बबीता जी तो गुड टाइटल लिए है, वो नहीं उठा सकता है। ये बात तुम लोगों को क्लियर रखना है कि अब भिड़े केस करेगा जेठालाल के ऊपर कि जेठालाल तुम हमको दूसरा टीवी या नया टीवी ला के दो, खत्म कहानी। समझ में आया? अगर हम किसी का सामान लेते हैं तो चोरी, मतलब चोरी था या फिर कुछ भी, उसने जो सामान लेते हैं तो हमको उस रियल ओनर जो रहता है वो, मतलब जिसके पास सामान है उससे ले सकते हैं, और जो जिसके पास सामान था वो सेलर पे केस करेगा, तो यही बात तो यहाँ पर भी हो रहा है ना। गुड फेथ का बात है बाबू, उस केस में क्या था, वो गुड फेथ नहीं था। गुड फेथ था सर उसमें। नहीं नहीं, मानो बबीता जी को पता है कि ये सामान भिड़े का है, बबीता जी के सामने से भिड़े निकला सामान का डील करके, फिर बबीता जी बोल रहे हमको भी ये टीवी पसंद आया है, और वो बोल रहे आप ले जाइए हम भिड़े को देख लेंगे, तब भिड़े के पास हक है कि वो जाके बबीता जी से, समझी? यस सर। उस टाइम ले सकते हैं। प्लेज का मतलब क्या होता है? याचना करना। ये इतना भारी भारी हिंदी वर्ड बोलता कौन? रिपोर्ट से रिपोर्ट लिखवाते हैं ना सर। अ प्लेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बाय द सेलर इन पोजीशन आर इक्वली वैलिड। प्लेज मतलब गिरवी रखना। प्लेज मॉर्गेज, क्लास का पहला लाइन हम बताए थे। प्लेज इज फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज इज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? तो अगर प्लेज वगैरह हुआ, मानो सामान गिरवी रखा और फिर भी हम बेच दिए, तो फिर क्या होगा? मानो एक गाड़ी गिरवी रखा हुआ है लाला के पास, मतलब कल को अगर हम पैसा नहीं देंगे तो लाला वो गाड़ी उठाए, और कोई हमसे वो गाड़ी अच्छा फेद में खरीद लिया, अब लाला किस पे केस करेगा? मेरे पे केस करेगा, जो खरीदा उसका तो सामान हो गया ना भाई, वो तो गुड फेद में लिया है, ठीक है? यही तो एक्सेप्शन है, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये एक्सेप्शन है। जब तुम ओनर नहीं है फिर भी, अगर तुम एजेंट है, मतलब तुम ओनर नहीं है फिर भी अच्छा टाइटल पास होगा। अगर तुम जॉइंट ओनर है, तेरे संपासी सामान रहता है और तुम ही बेच दिया बिना पूछे, तब भी जिसको मिला वो असली ओनर होगा। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तुम केस ही नहीं किया था, उससे पहले सामान बिक गया, तो जिसको मिला वो असली ओनर होगा। अगर बिका हुआ सामान फिर से बिक रहा है तो तुम असली ओनर होगा, प्रोवाइडेड तुमको पता ना हो प्रीवियस सेल के बारे में। ओके,
फिर सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन इफ अ बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर ऑब्टेन्स द पोजीशन ऑफ द गुड्स बिफोर द प्रॉपर्टी इन देम हैज पास्ड टू हिम ही मे सेल प्लेज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द गुड्स टू अ थर्ड पर्सन मानो बायर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है लेकिन पोजीशन ट्रांसफर हो गई ठीक है एक टीवी हम लेकर आए सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में यही तो होता है ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन सामान मेरे पास पड़ा हुआ है अभी क्या हुआ सुनो हम उस टीवी को बेच दिए मानो किसी और तो क्या जिसको बेचे उसको सही टाइटल मिलेगा नहीं सर ओनरशिप नहीं आया लेकिन हम बेच दिए सेल ऑन अप्रूवल में था क्या इससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या अब जो हाँ? उसका असली ओनर है वो हमसे सीधे पैसा नहीं मांगेगा हाँ, सेलर है बायर को 1 वीक का टाइम दिया विद इन 1 वीक तीसरे ही दिन बायर ये सामान हमको बेच दिया तो क्या सेलर हमसे आके ले सकता है नहीं क्यों ये ऐसा एक्शन नहीं है ये इंप्लाइड नहीं है कि बी खरीदना चाहता है बी अपना समझा तभी तो बेचा आगे समझ आया बात तो यहाँ पे हमको जो टाइटल मिला है वो गुड टाइटल है डिफेक्टिव टाइटल नहीं है उसी तरीके से वेयर द ओनर इज स्टॉप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल लॉ ऑफ स्टॉपल ओके स्टॉपल याद है किसी को यस सर क्या था स्टॉपल में कौन था खाली ये बता दो गुड फेथ थर्ड एजेंट अगर किसी का बेच देता है तो ओके यहाँ पे क्या बोल रहा है वेयर द ओनर इज स्टॉप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल द ट्रांसफरी विल गेट अ गुड टाइटल एज अगेंस्ट द टू ओनर जेठालाल खड़ा है बगा बगा छोड़ो मानो अय्यर वहां पे खड़ा था कस्टमर आया अय्यर बोला आइए हमारे दुकान में आइए जेठालाल के सामने जेठालाल कुछ नहीं बोला जेठालाल दिमाग में सोचा सामान बिकने तो फिर अय्यर को बताएंगे सामान बिक गया अय्यर को बोलता तुम सामान कैसे खरीदा अब हम जो बायर उसका घर से जाके लाएंगे क्या जेठालाल ला सकता है नहीं क्यों अय्यर अपने सामने ना उसको बोला कि हम ओनर है जेठालाल को वहीं पे ऑब्जेक्ट करना चाहिए था यही तो है लॉ ऑफ स्टॉपल कि जब आप किसी चीज के असली ओनर नहीं है फिर भी आप दिखला रहे हैं असली ओनर के प्रेजेंस में तो आप स्टॉपल बन गए मतलब आप उस कस्टमर के लिए ओनर कहलाएंगे बाद में बोल सकते हैं जेठालाल की हम केस करना चाहते हैं नहीं आपके सामने सारा काम हुआ आपको उसी टाइम रोकना चाहिए था समझा बात को सेल बाय एन अनपेड सेलर सबसे मस्त चीज सामान हम बेच दिए मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया सामान मेरे पास ही पड़ा हो और हमको पैसा नहीं दे रहा आगे वाला पार्टी हम कितना दिन रुकेंगे 1 दिन 2 दिन 5 दिन अगर हम अनपेड सेलर है हम आगे वाला को नोटिस दिए बार बार नोटिस दिए हम राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किए मतलब राइट ऑफ लियन का मतलब जानता है कोई अपना हक उसके ऊपर रख लिया सामान तुमको देंगे ही नहीं राइट ऑफ लियन मतलब ये बॉटल तुमको बेच रहे थे हम बोले पैसा दो तुम नहीं दिया बॉटल मेरे पास ही रखा रहे जब तक तुम पैसा नहीं दे ये है राइट ऑफ लियन शेयर याद है शेयर में शेयर फोरफीच करते थे राइट ऑफ लियन वापस ले लिया अपने पास ठीक है या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट मानो गुड्स मेरे पास नहीं है हम ट्रक में चढ़ा दिए तो राइट ऑफ लियन तो लगा नहीं सकते भाई गुड्स पास में होना जरूरी है तो अब स्टॉपेज इन ट्रांजिट होगा ड्राइवर को फोन करके बोले भाई रुक ठीक है हम अनपेड सेलर है हम या तो राइट ऑफ लियन लगाए या तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाए और माल को बेचना चाहते हैं रीसेल करना चाहते हैं क्या जो से जो उस टाइम खरीदेगा वो सही ओनर होगा एग्जाम्पल ट्रक में माल लोड किए भेज रहे हैं गुजरात रास्ता में पता चला आगे वाला पार्टी पेमेंट देने से रहा हम कौन होगा अनपेड सेलर रास्ता में ही वो किसी और को बिकवा दिए क्या आगे वाला पार्टी हमसे जिद कर सकता है उससे माल उठा सकता है नहीं भाई हम अनपेड सेलर हैं हमको तुम लोग पैसा देता तुमको देते ठीक सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ एनी अदर एक्ट मतलब कोई ऑफिशियल रिसीवर या फिर लिक्विडेटर है अरे भाई कोई कंपनी खत्म हो रहा है बंद हो रहा है ठीक है असली ओनर कंपनी मानो कंपनी में मेरा ये टेबल है इसका असली ओनर कौन कंपनी लेकिन एक आदमी आएगा जो डिस्पोजल अकाउंट बनाएगा याद करो ना डिसोल्यूशन पढ़ा है तुम लोग डिस्पोजल अकाउंट बनाते थे ऐसे डिस्पोजल अकाउंट यस वही ना बताएगा कि इसका क्या दाम है हम बोले मेरा किताब इसका दाम 5,000 रुपया तो वो आके इसका मार्केट वैल्यू पता करेगा उसको हम बोले लिक्विडेटर ठीक है
वो स्वर्ग मूवी देखा है गोविंदा का, उसमें उसका घर का नीलामी होता है, वो लिक्विडेटर करता है, ठीक है। तो अभी लिक्विडेटर सामान बेचा, लिक्विडेटर के असली ओनर है, लेकिन वो सामान बेच सकता है, ये क्लियर है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फाइंडर ऑफ गुड्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, इसके ऊपर फिर और ज्ञान है जो तुम लोग को अभी नहीं पढ़ना। फाइंडर ऑफ गुड्स, जिसको सामान खोया हुआ मिला है, हमको ये बॉटल खोया हुआ मिला, हम सारा तरकीब लगा लिया इसको ओनर को ढूंढने के लिए, साल भर बीत गया, हम इसको बेच दिए पप्पू को, बाद में ओनर मिला, बोलता हमको बॉटल दो, पप्पू को बोल रहा है बॉटल मेरा है दो, पप्पू देगा नहीं, क्यों, फाइंडर ऑफ गुड्स था वो, लीगली खरीदा। अगेन कुछ सर्कमस्टेंसेस है जो हम लोग को नहीं पढ़ना है, एग्जाम में नहीं आए, ठीक है। और तीसरा, सेल बाय पॉनी कैन कन्वे अ गुड टाइटल टू द बायर, पॉनर और पॉनी कौन होता है पता है, प्लेज, जो गिरवी रखता है पॉनर, जिसके पास गिरवी रखा हुआ है पॉनी। अब तुम मानो हम तुमसे लोन लिए, हम अपना गाड़ी तुम्हारे पास गिरवी रखते हैं, तुम पैसा मांगा, नहीं दिए नहीं दिए नहीं दिए, अब तो तुम वो गाड़ी बेचेगा, तुम जिसको बेचेगा उसको अच्छा टाइटल, क्लियर है। आज का सिर्फ होमवर्क इतना है, ये जो नोट्स का पीडीएफ है इसी से ये सारा पॉइंट तुम लोग को पढ़ना है। किताब अभी मत खोलना, दिमाग घूम जाएगा, अभी किताब नहीं खोलना, जब कंप्लीट होगा ये यूनिट तब खोलना, ओके, अभी इससे पढ़ना, ठीक है। कोई किसी चीज को डिस्कवर करता है तो क्या वो उसका ओनर हो जाता है, देखो बिल्कुल हो जाता है, वो पेटेंट कॉपीराइट अगर ले ले तो, पेटेंट कॉपीराइट मानो हम कोई चीज डिस्कवर, अरे वैक्सीन डिस्कवर हुआ, कोवैक्सीन कोविशील्ड, तो पेटेंट खरीदा है पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके पास पेटेंट है कि ये कोविशील्ड जो है हम ही बना सकते हैं, कोई नहीं बनाएगा। अगर हम वही चीज, हाँ और कोई नहीं बना सकता। अच्छा मानो कोई सोना है मेरा, जमीन खोदे सोना निकला, तेल निकला, सब मेरा, हाँ सब मेरा, कितना ऐसा जन है जो रईस होता है इस चीज के चक्कर में, झरिया में कितना ऐसा पुराना पुराना घर, झरिया तो मतलब तुम लोग देखा होगा, राजा का महल है प्रॉपर अच्छा खासा, वहां पे ब्रिटिश राज नहीं पहुंचा था ज्यादा, तो वहां पे क्या होता था, लोग अपना सोना को ना बड़ा बड़ा ऐसे बक्सा में प्रॉपर दबा के रखते थे अंदर, क्योंकि कोयला है तुरंत खुद जाता था, दबा के रखते थे, अपना बच्चा लोग को बताता नहीं तो पता नहीं क्यों किसके लिए दबाया था, और फिर जब हम लोग वो घर खरीदते हैं हम लोग को पूरा का पूरा सोना का वो मिलता, हमको निकलता था भाई, तो हम तो आराम से ऐश कर रहे होते। बट ऐसा बहुत सारा परिवार है, आई वोंट टेक नेम्स, तुम लोग में से कोई जानता होगा, उन लोगों के साथ तो पुष्टि बैठ के खा सकता है, उन लोगों को इतना पैसा मिला घर खरीदने से, तो वो लोग का है लीगली, वो लोग को बस उसके ऊपर कुछ टैक्स देना, ठीक है। नहीं करेगा तो सीए सीए में पकड़ेगा, वो समझा देगा क्या करना है, काहे पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का क्लास को एंड करते हैं, किसी को पढ़ाई के दौरान कोई भी डाउट हो हमको व्हाट्सएप करना, हम हेल्प करेंगे। तुम लोग का जो कल टेस्ट हुआ था उसमें कई बच्चों को कई सारा डाउट है, मेरे को अभी थोड़ा बिजी है मैं, एक दो दिन हम टाइम निकाल के पर्सनली सबका डाउट क्लियर करेंगे, तुम लोग हमको स्क्रीनशॉट भेजा है मेरे पास रखा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय, भेज दें।